क्या है तेरी सिंसियरिटी? मेरी इस रिश्वत के लिए तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। अच्छा, एक महीने से प्लानिंग कर रहा था अबुन, आज फंसी अबुन के जाल में। कैसे जानू तू तेरे को? अरे रुक जा यार। देखो मैडम, हमें टेंशन नहीं करना है। कोऑपरेट करोगी तो सिर्फ इज्जत लुटेगी आपकी, नखरा किया ना तो तेरी जान भी जा सकती है। देख लिया ना बहुत सारे हम लोग, चल कोऑपरेट कर। मुझे एक डाउट है, ये लड़कियां हमारे लिए कभी आगे आती क्यों नहीं यार? आगे के लिए आगे का काम शुरू करना होगा। तो हमें क्या करना होगा यार? वही यार, उन्हें हर दिन शॉपिंग कराओ, ड्रेसिंग कराओ, हर दिन। तूने क्या सोचा? मैंने ऐसा सोचा नहीं था यार, वो हमसे पहले वो हाँ। दूसरे वाला बैच है ना, सोचा था पहले उनसे मिलेंगे उसके बाद हमसे मिलने के लिए आएंगे। हमारी जिंदगी झंड है यार, वेट तो करना पड़ेगा। उनकी भी जिंदगी झंड हो गई है यार। आखिर बात किसके बारे में कर रहे हो यार? दिल के बारे में यार। ठीक है जाने दे यार, शानपट्टी छोड़, हम सामने से फोन करते हैं। हेलो हेलो, रुको मैं फोन करता हूँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड एक रिंग पे फोन उठा लेती है। क्या हुआ यार? फोन रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रही है। तेरी डार्लिंग को छोड़, मेरी डार्लिंग को देख एक रिंग पे फोन उठाएगी।
क्या हुआ, उठाया क्या उसने? स्विच ऑफ है यार। ओ, तेरा क्या होगा बेलम्बू? वो अभी सिर्फ देखने तक ही, आगे कुछ नहीं। ऐसी बात है क्या? हाँ। अच्छा एक बात बता मेरे यार, वो लोग फोन भी नहीं उठा रही है तो हॉस्टल में बैठ के कर क्या रही है यार? यार जगह देख के वार कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है यार, गलती से लग गया। हमें भी वार करना आता है यार। तुझे कोई दूसरी जगह नहीं मिली? दूसरी जगह मारना चाहती थी लेकिन वहाँ लग गया। ठीक है चलो अब चलते हैं, बहुत हो गया। हाँ। क्या यार हमारे सामने क्यों चेंज कर रही हो? सब लड़कियां ही तो है यहाँ। हाँ तो कहीं भी चेंज करोगी क्या? डरना मत, मैं यहाँ नंगी नहीं होने वाली हूँ। वैसे लड़कों की तरह बिना अंडरवेयर के तो घूमूंगी नहीं ना। किस लड़के को देखा है तूने? किसी को नहीं देखा यार, ये तो बहुत कॉमन है। कुछ आलसी लोग होते हैं ना, वो नहीं पहनते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लड़के पहनते हैं। नहीं पहनेंगे तो उन्हें ही प्रॉब्लम होगी। हाँ यार हम नहीं पहनेंगे तो चल जाएगा, वो नहीं पहनेंगे तो उन्हें मुश्किल होगा। ऐसे क्यों मारा मुझे? बैक लुक तो बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदी ये शॉट? हॉट शॉट में खरीदा है, इसीलिए हॉट हॉट लग रही हो। हाँ तो एक बार तू भी पहन लेना, फिर मेरी तरह तू भी हॉट हॉट दिखेगी जैसे मैं दिखती हूँ। अच्छा सुन। क्या कह रही है? क्या हुआ, क्या कहा उसने? क्या हुआ, जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया क्या? प्लीज बताना यार। बाथरूम में जाऊंगी ना तब दिखाएगी ये मुझे इसकी खूबसूरती। कितनी सी बात, हमें दिखाकर क्या फायदा? जो भी दिखाना अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ, ऐसा कोई मिलेगा तब तो दिखाऊंगी ना यार। अभी तक नहीं आया वो देखो आ गया। क्या यार इतना लेट क्यों? मेरी बात सुन मेरे भाई, बेकार इंसान हमेशा वेट करता है, बिजी इंसान हमेशा लेट आता है, मेरी तरह। कमाल हो गया यार, तू तो हीरो की तरह बात करने लगा। नो 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 नो, ये मेरे गुरु रजनी सर का आशीर्वाद है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बस उनके स्टाइल को कॉपी करता रहता हूँ। अभी तक हमारी गर्लफ्रेंड नहीं आई यार। डोंट वरी, आज उनका टाइम चल रहा है, कल हमारा टाइम चलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। जॉब का क्या हुआ यार? वहां से निकल गया यार, दूसरी जगह जॉब लगी है मेरी। कल ही स्पैरो सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन किया मैंने। अरे यार ये तो वही कंपनी है, मैंने तो कल ही ज्वाइन किया। जानता हूँ। अरे बाप रे यार, क्या कमाल की लड़की है। देखने में एकदम परी की तरह लग रही है, चाल तो ऐसी है जैसे समुंदर की लहरें हैं। एक अनार चार बीमार हो गया यार, दिल है कि मानता नहीं। सॉरी यार मैं ट्राई नहीं करूंगा, मेरा दिल मेरे पास है। हेलो, पटेगी तो मुझसे पटेगी, तुझसे कैसे पटेगी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है, वैसे भी मेरी जमीन ज्यादा थोड़ी बड़ी है ना, कहीं भी एडजस्ट कर लेगी। आईफिल टावर जैसी हाइट है उस लड़की की, एडजस्ट करना मुश्किल होगा सोच ले। दूसरा रास्ता नहीं है यार। ठीक है यार, तू जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। हाँ ठीक है,
फॉलो मी। लड़की है ये देखो जिसने मेरा दिल लिया, अरे इसका फिगर देखा मैं तो काम से गया। हाल हुआ बुरा मेरे दिल का, इसको छूने का है दिल करता। अरे होगा कहाँ देखो राजा हमसा, धड़कन में है नाम इसका। कैसा है जादू चलाया, सारे हुए यहाँ पागल है। अरे मूर्खो सारे, ये क्या चलाया है, आइटम तो मेरी है। है हुस्न परी वो, तुम सारे देख लो। क्या लग रही है वो, तुम भी तो कुछ कहो। आज करेंगे जब के मस्ती, संग में आओ तुम भी आओ। उसको दिखा देंगे हम भी अपना जलवा, हम भी नहीं कम कहीं निकले ना दम। अरे दिल का खेल यारो, अब है हमको खेलना। मैरिड लुक है देखो, मगर है ये बैचलर। अरे क्या कहता है राजा, देखो जान हिल के मानेगी, इससे बात कैसे करेगा यार। फेसबुक में भी ढूंढ के देखा, व्हाट्सएप में भी चैट करना। अरे चक्कर फ्रेंड से है, सेलफोन बिजी मिले है, कैसे बात करेंगे। दिल खो गया है देखो ना, देखो इसका जलवा प्यारा, मैंने दिल भी इस पे हारा। कभी तो बात होगी, दिल ये मेरा कहता है जाना, मतलब के बातें मत बनाना। अरे चलना उसका देखो, दिल को कर दे दीवाना। अरे इसकी तो तू बात ही मत करना, दारू पिए तो गुस्सा करेगी, धुआं छोड़ोगे तो भी लड़ेगी। मॉडर्न स्टाइल आती नजर, बॉयफ्रेंड देखा नहीं मगर, 100% वर्जिन है, हमसे बिछड़ ना जाना। पास जरा आ जाना, दिल पे मेरे छा जाना। लड़की है ये देखो जिसने मेरा दिल लिया, अरे इसका फिगर देखा मैं तो काम से गया। दीदी उठो दीदी, बहुत दर्द हो रहा है बदन। मैं मसाज कर देती हूँ, तुम उठो। मेरा कितना ख्याल रखती है। संभल कर जाना, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ सर, इस कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ या तू? आप हो या मैं हूँ, बात एक ही है ना सर, सब कुछ अपना ही है ना सर, खाली पोस्ट का डिफरेंट है। मेरे पीछे आ।
आपकी जैसी मर्जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वर्क फर्स्ट, फॉर्मेलिटीज नेक्स्ट, बी सीरियस ऑन ड्यूटी। जी सर। ओके ओके सर। तो सबके ऊपर धौंस जमा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है क्या? क्यों रे, आखिर तेरे दिल की बात मुझे कैसे सुनाई दे रही है? आपके या मेरे दिल की? तेरी। आने का चांस ही नहीं है सर, मेरे पास तो दिल ही नहीं है सर। क्या कहा, मुझे भी बता। ये तो बहुत बिल्टअप दे रहा है, ये समझ रहा है कि ये कंपनी इसकी वजह से ही खड़ी है। शक्ल देखो सुशुंदर जैसी, आप यही सोच रहे हैं ना सर? ऐसा सोचा मेरे बारे में? हाँ जी सर। कमाल है यार, तेरी सैलरी कितनी है? इससे पहले तो 10,000 दिया करते थे, अब तो कट कर करके 5,000 कर दिए हैं सर। क्यों सर, सैलरी बढ़ाने वाले हैं? हाँ हाँ, और 2,000 कट। बाप रे, दूसरे बॉस सैलरी बढ़ाते हैं, ये तो कट करते जा रहे हैं। आगे जाकर मेरी सैलरी 0 तक पहुँच जाएगी मुझे लगता है। मेरी प्यारी मैडम भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। अरे यार, हमारा जॉब तो चला गया। शराब पीकर हंगामा करती है और यहाँ मैडम बनकर शौक दे रही है। ये परेशानी हमारे सर पर ही क्यों आती है यार? टेंशन मत ले यार, ऊपर भगवान है और नीचे हम है, पावर उनका है, काम हमारा है। सो लेट्स वेट एंड सी। सॉरी मैम, अनजाने में गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। न्यू जॉइनिंग? या मैम। व्हाट्स योर नेम? रॉबिन। रॉबिन? प्यार से लोग मुझे रॉबिन कहते हैं, मेरा ओरिजिनल नेम है रजनी। नाइस नेम। थैंक यू मैम। रजनी फैन हो क्या? यस मैम। क्या कर रहे हो? मैम सर्चिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? कुछ नहीं मैम। कोरोना है क्या? हॉस्पिटल जाना चाहिए तुम्हें। वॉशरूम जाऊंगा तो भी काम हो जाएगा मैम। बाथरूम जाने से फीवर कम होता तो हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत है? आप हाथ हटाएंगी तो इसका फीवर अपने आप कम हो जाएगा। आप मत हटाइएगा मैडम। नॉटी बॉय, पहले माउस इस्तेमाल करना सीखो। बाय द वे, तुम भी न्यू जॉइनिंग हो क्या? यस मैडम, आई एम सुबू। मैडम हाथ हटाइए नहीं तो इसकी जान चली जाएगी, प्लीज हटाइए मैम। आजकल की जेनरेशन में लगता है वोल्टेज बहुत ज्यादा है, रेगुलेटर इस्तेमाल करो। अरे रॉबिन, रेगुलेटर यूज करने को क्यों बोल रही है? कौन सा रेगुलेटर? अबे यार, जो फैन में इस्तेमाल करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, स्पीड रेगुलेटर। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, कंट्रोल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। तुम्हारे स्मोक करने का स्टाइल मस्त है। यस। अरे नालायक कहीं का, यहाँ बैठकर मैडम को मस्का लगा रहा है तू। अच्छा, तू मैडम की खुशबू को सूंघकर मजे ले रहा है? तुम्हारे सिगरेट का धुआं भी फैंटास्टिक फ्लेवर का है। तेरे पास काम करने वाली मैडम तेरे सामने बैठकर सिगरेट पी रही है और तू उसका धुआं सूंघकर खुश हो रहा है। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ नहीं हर्षिता, हमारी कंपनी ऑलरेडी टॉप 10 में है। ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन टॉप 3 आएगी तो और अच्छा होगा। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। I'll try my level best. अरे वाह, मेरे लिए इतना काफी है। हर्षिता, चेक द फाइल। तेरी औकात क्या है, मैडम की औकात क्या है, ये मेरी समझ में आ गया। Everything is okay. तुमने देख लिया ना, मैं खुशी से साइन कर दूंगा। हर्षिता, बास्कोट कंपनी यूएस वालों का प्रोजेक्ट अब कौन से स्टेज में है? और 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रोबोट बॉस जर्नी कंपनी कौन से स्टेज में है? वो आज ही फिनिश हो जाएगा। हमारी कंपनी को किसी भी तरह के बैड रिमार्क से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऑफ कोर्स। थैंक यू, तुमने कह दिया ना, अब मैं रिलैक्स हूँ। तेरे लक्षण ऐसे ही है, दूसरों के भरोसे जीने वाला। सुनो डार्लिंग, इस बार हम दोनों कहीं दूर घूमने चले क्या? मारा क्यों तुमने? इतनी जल्दी गिराओगे क्या? मैंने क्या गिराया? मेरी वैल्यू, सोने से बढ़कर हीरा है, कहा था ना? कहा था, सॉरी, बिना मारे भी तो बोल सकती थी। दोबारा कहीं भूल ना जाओ इसीलिए मारा। शे, लगता है गलती से कमिटमेंट हो गया मुझसे। चलो वही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब बताओ, इस बार कहीं हम दूर चलें क्या? लगता है मुझे फंसा देगा। आज इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? तेरे हो डीले हो गए ना इसलिए। कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया? लगता है मुझसे बोर हो गए हो तुम। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम वैसे भी अच्छी दिखती हो, असल में बिना होठों की ज्यादा अच्छी लगती हो। तो क्या मेरे होठ नहीं है? क्यों नहीं,
कमल जैसे तेरे होंठ हैं, धनुष जैसे तेरी आंखें हैं और तेज कमान जैसी तेरी कमर है। धनुष के अलावा कुछ और नहीं आता? क्यों नहीं आता? तोते की चोंच जैसी लंबी नाक है, तेरी कमर नहीं बल्कि पूरा कमरा अब बस है। बस बहुत हो गया। तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। क्यों मारा? बिना हंसे अच्छी नहीं लगती? ये क्या बोल रही है यार? हाँ अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुस्से में कैसी लगती हो? अरे यार ये पागल हो गई है क्या? अब 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 अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। और रोते वक्त? इसे खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छी लगती हो। अब क्यों मारा यार? माँ ने कहा था मैं रोते वक्त अच्छी नहीं लगती, तो तुम मुझे कभी मत रुलाना। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मेरी बात हमेशा मानूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी। बताओ ना जानू। सर बिल। टेंशन मत लो, बिल मैं नहीं पे करूंगी। ये तो बहुत ज्यादा आया है। तुम लड़के नहीं बदलोगे, होटल जाते ही बिल देखते हो, ऑटो में बैठते ही मीटर देखते हो। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जानू, बिल तो बहुत कम आया है इसलिए देख रहा हूँ मैं। बिल सर। अब ये क्या है? शाम के लिए, अब बराबर है ना बिल? हाँ ठीक है। गर्लफ्रेंड को मेंटेन करना मतलब हाथी को मेंटेन करना। मैडम बिल, इस बिल को मैं पे कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं इस बार मैं पे करती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम पे करना। ओके बाप रे इसे झेलना बहुत भारी है। चल भाई जा रहे हो यार? हाँ चल। अच्छा? चलते कम ऑन कम ऑन। हे हमारा साइलेंट लवर विप्रो कहाँ है? पता नहीं अपने लवर के चक्कर में वो कहाँ घूम रहा है। आजा 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 आजा, तू 100 साल जिएगा, तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। आजा बैठ जा। तेरी लवर का क्या हुआ? प्रपोज किया या फिर भाग गई वो? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कम से कम हाय तो बोल दे यार। अरे कुछ तो बोल अमोल पालेकर। उसने मुझसे बात की यार। ए रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोबारा तुमने मुझे इस तरह से देखा ना तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर करवा दूंगी। फिर भी देखूंगा। क्या करते हो? हाँ। नाम क्या है? विप्रो सिनू। विप्रो कंपनी के ओनर हो? नहीं जॉब कर रहा हूँ। सैलरी कितनी है? 7500 है। वॉचमैन हो क्या? 75,000। इसे बकरा बनाऊंगी तो मैं ऐश करूंगी। सॉरी मुझे एक बात बताओ, कितने दिनों से देख रहे हो? 6 months से। शर्म नहीं आती? आजकल के लवर्स 6 मिनट में आई लव यू बोल के चाय वड़ा पाव की पार्टी करते हैं। अरे तुम अब तक क्या कर रहे हो यार? मेरा नाम कौशल्या है। तुम फ्री हो ना? हाँ। अगर तुम फ्री हो तो एक बात कहूँ? हाँ। शॉपिंग करने चले? हाँ। चलो आइए मैडम, क्या चाहिए आपको? गर्ल्स के कॉस्टली मॉडर्न ड्रेस लूटेगी, और पैंट एंड शर्ट। ओके लूटेगी, नागिनी काटेगी, जोर से काटेगी, जोर से काटेगी। नागिन है नागिन। जेंट्स के लिए भी कुछ दिखा दो। ओके मैडम, किस साइज का दूं? इनके लिए। ओके। खेल मोटा होगा, अरे छोल मोटा होगा, ये बना है मुर्गा, ये है बड़ा बेचारा। तुम्हें पसंद है ये? प्राइस ज्यादा है, चलेगा ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं। गोलमाल फिल्म याद आ गई क्या? जी हाँ। हाँ ये तो होना ही था। ये दोनों पैक कर दीजिए। सो यहाँ के ड्रेसेस अच्छे हैं ना? मुझे बहुत पसंद आए, नेक्स्ट टाइम भी हम यहीं आएंगे। लूटेगी लूटेगी आज ये लूटेगी, काटेगी जोर से काटेगी, जोर से काटेगी, लूटेगी लूटेगी आज ये लूटेगी। खेल मोटा होगा, झोल मोटा होगा, अरे झोल मोटा होगा। ये रबर नहीं है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मेटल है। मेरी उंगली में पहना दो। लूटेगी लूटेगी, तुम्हारे उंगली में फिट बैठ गई। हाँ देखो ना ये मेरे साइज का ही है, ले लूँ क्या? हाँ। Ha ha ha!
तेरा काम तो हो गया भाई, पूरी सैलरी गई ना। आज से इसकी आउटगोइंग शुरू हो गई यार, अब इसकी सैलरी गई खड्डे में खड्डे में। असल में फैक्ट ये है कि हर जगह वही पे करने वाली थी। हम मर्द नहीं है क्या? हमारी इज्जत नहीं है क्या? इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया। भाई ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, लड़कियाँ कहाँ बिल पे करती हैं यार। तूने क्या हमें बेवकूफ, पागल, गधा और कमीना समझ रखा है? ऐसा नहीं होता यार, लड़कियों को हम भी जानते हैं। नहीं यार, ये शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ तेरे नाम कर दिया। हाँ यार, मैंने पैसा दिया, लवर के लिए इतना भी ना किया तो वेस्ट है यार। तो फिर उसने आई लव यू बोला? तुम्हारे जितना फास्ट नहीं है यार, सच्चा प्यार है हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हे विप्रो, बस कर यार, सबका प्यार एक जैसा होता है, दो तीन तरह का नहीं होता है। मैं दिल के बारे में बात कर रहा हूँ यार। हाँ तो उसके बारे में बात नहीं करेगा? ये सब उसको पसंद नहीं आता यार, वो बहुत ट्रेडिशनल है। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गया, कैसी ट्रेडिशनल बातें कर रहा है। तेरी वाली मॉडर्न जमाने की जीरोक्स कॉपी है। हाँ, वो बहुत सेक्सी है यार। हाँ। इसकी कौशल्या को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसी के पैसों से वो अपने सारे सामान खरीदवाएगी। इसमें गलत क्या है यार, आज नहीं तो शादी के बाद तो दिलाना ही होगा ना। दिल के टुकड़े हजार हो जाएंगे, क्या बकरा यार। भाई ये बहुत आगे निकल चुका है, हमारी बात इसे समझ नहीं आएंगी। बहुत जल्दी ये देवदास बनने वाला यार। इससे एक बात पूछता हूँ, तूने जो चीजें दी है वो उसका यूज करती है या संडे बाजार में बेच देती है? वो तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी यार, वो धोखेबाज लड़की है, धोखेबाज। हे यार, तेरी शर्ट पे तो आई लव यू लिखा हुआ है। आज ये लूटेगी, आउट ऑफ गाइस। अरे देना शर्ट, देना यार। मुझे तो अच्छा ही अच्छी शर्ट को फेमिंग करवा कि इसकी पूजा करने वाला। बत्ती लगा के नारियल फोड़ के उसकी पूजा करूंगा। अरे देख, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये देवदास बनेगा। नैनो पक्का लोकल, पक्का लोकल, नैनो पक्का लोकल, नैनो बाड़ेगा। अरे पूरा शॉप ही उठा कर लेकर आई हो, स्पॉन्सर किसने किया? माय न्यू बॉयफ्रेंड। कहीं तूने विप्रो को पटा तो नहीं लिया ना? या वो 6 महीने से वेट कर रहा था इसका प्यार पाने के लिए, आज उसका सपना पूरा हुआ। हाँ तो उसका राहु काल शुरू हो गया है और इसका रानी काल स्टार्ट हो गया है। मैं लकी हूँ यार। वाओ सुपर्ब यार, ये ड्रेस तो तुम्हारे लिए है, लेकिन बॉयज ड्रेस किसके लिए है? मेरे उसके लिए। व्हाट, तुम लोग शौक क्यों हो रहे हो? शौक ना हो तो और क्या करूं? वाह, अरे और क्या क्या लिया है तूने उससे? या ये गलत है यार, तू जरूर नरक में जाएगी। ये नरक में जाएगी या नहीं जाएगी वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर उस लड़के को नरक दिखाएगी। वो भी इसके जरिए स्वर्ग देखना चाहता है ना, कोई गलत बात नहीं है। तुम लोगों की जलन पूरी हो गई, इसलिए तो उसे पटा कर रखा है, और इसके बाद योबी के साथ सेटल हो जाऊंगी। कौन है यार? यूबी। हेलो डार्लिंग, तुम्हारे लिए मैंने ड्रेसेस खरीदे हैं। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ, परेशान हो रहा है कौशल्या? तेरा फोन नहीं उठा रही क्या? हाँ यार। तो तू बता दे भाई, वो फोन क्यों नहीं उठा रही? एंगेज आ रहा है यार, अपने भाई से बात कर रही होगी। इतना भरोसा? अगर भाई नहीं हुआ तो बहन से बात कर रही होगी। और अगर बहन भी ना हुई तो अपने माता पिता से बात कर रही होगी यार। अगर उनसे भी बात ना कर रही हो तो फ्रेंड भी तो हो सकता है। अगर उसका फ्रेंड भी नहीं हुआ तो उसके रिश्तेदारों से बात कर रही होगी। क्यों रे? अबे तू खाना खाता है या घास चरने के लिए जाता है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने सबका नाम बता दिया पर उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं पूछा, खींचना बे। अबे भाई, जितना भरोसा तू अपनी लवर पे करता है उतना फ्रेंड्स पे नहीं करता है। पेरेंट्स से कौन लड़की इतनी देर तक बात करती है? अगर पेरेंट्स फोन करते हैं तो पता क्या पूछते हैं? बेटा खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक से पढ़ाई चल रही है या नहीं। सिर्फ इतनी ही बातें सुन करके लड़कियां फोन पे बोर होकर के फोन कट कर देती हैं। मुझे तो लग रहा है तेरी फ्रेंड अपने किसी दूसरे लवर से बात कर रही है। हाँ यार विप्रो, बुजुर्गों ने क्या कहा है पता ना तुझे? जाने के पहले जाना कहाँ है वो देखो, छलांग लगाने के पहले थोड़ा पीछे भी देख लिया कर यार। मेरी कौसू ऐसी नहीं है, मैं अभी यकीन दिलाता हूँ। एंगेज आ रहा है ना, सब पता है हमें, बहुत सी लड़कियाँ घुमाई हमने। चल चलते। डार्लिंग मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे घर से कॉल्स आ रहे हैं, बाय। इतने सारे मिस कॉल्स, विप्रो ने शर्ट खुल के देखा तो होगा ना यार। शर्ट में ऐसा क्या है? लगता है एक शर्ट को गिफ्ट दे दिया होगा। ये कहाँ से देगी, ये तो ऐसी लड़की है जो पहनी हुई शर्ट और पैंट भी खींच लेगी। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे बिना बताए मैंने उसके शर्ट के पीछे आई लव यू लिख दिया था,
अच्छा देख लिया होगा इसलिए तो इतने कॉल्स कर रहा है। हेलो। हाय कौसु, शर्ट निकाल कर देखा मैंने। कैसा लगा तुम्हें? वही बताना चाहता हूँ तुम्हें। ओके बताओ। वही बताना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं बताओ ना यार। आई लव यू टू। तुम खुश हो ना? ऐसा लगता है मैंने दुनिया जीत ली है। इतनी भी दूर मत जाना। बाय। हाँ कौसु वन मिनट। अब तक किससे बात कर रही थी? लगता है इसे शक हो गया। वो मैं मेरे भाई से बात कर रही थी। मैं भी वही समझ रहा था, मेरे दोस्त डाउट कर रहे थे। ओके ठीक है आराम से सो जाओ। बाय बाय। सुना ना तुम लोगों ने, कौसु अपने भाई से ही बात कर रही थी। आखिर इसके समझ में कब आएगा यार? कहां से आएगा, इसे समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है, सब समझ के बाहर है इसके। मुझे तो लगता है इसे शर्ट गिफ्ट में मिला होगा यार। हेलो हाय, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ ना। हाय पप्पू, कितनी देर से खड़े हो? 50 मिनट से कर रहा हूँ। दिस इज टू मच लेट यार, मैं कभी अकेले किसी का इतना वेट नहीं करता। यू नो आई एम अ बिग सेलिब्रिटी। सॉरी ना, ऑफिस में बॉस ने मेरे सर पे ही सारा काम दे दिया है। मुझे एक बार तुम्हारे ऑफिस में ले चलो, मैं उसका माइंड ब्लॉक कर दूंगा उसकी क्लास लेकर। फिर कभी तुम्हें ज्यादा काम नहीं देगा, तुम्हें रोकेगा भी नहीं। तुम मेरा नाम बोलोगी तो तुम्हें जल्दी छुट्टी दे देगा। दिस इज माई कैपेसिटी। नहीं पप्पू, उस बेचारे को बीपी शुगर सब कुछ है। ओके तुम कह रहे हो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। थैंक यू पप्पू। हमें हर रोज इस तरह मिलना, वो देखेगा ये देखेगा सोच कर डरना, आई मीन तेरा डरना, मेरे जैसे आशिक को तकलीफ देती है। फ्रीडम रहेगा तो हम दोनों की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। एक काम करते हैं। क्या? 10 दिन के लिए हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं क्या? वो कैसे पप्पू? वेरी सिंपल रानी, 10 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ, घर पर बता कर आ जाओ, मैं भी मैनेज करके तुम्हारे साथ निकल लेता हूँ। बाहर चलकर हम दोनों रोमांस करेंगे, मजा आ जाएगा। डार्लिंग, कल सेम प्लेस पर सेम टाइम पर तुम आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा, कल लेट मत करना। ओके ओके। ओ लागे लागे, ओ लागे 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 मनसु लागे, नी भाई पे लागे 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 प्राणम लागे। भारत देश कहाँ जा रहा है राजा, इससे बेहतर कीचड़ में लिपटा हुआ जानवर सुंदर दिखता है, ये कैसे पसंद आ गया उसको? आंखें छोड़ो ब्रेन में नहीं। प्यार अंधा होता है इसी से पता चलता है। आंखें छोड़ो ब्रेन में नहीं। दीदी हर दिन स्मोक करती है, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं क्या, कैसा लगता होगा? क्या बात है, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। किसी गुनहगार की तरह ऐसे क्यों घबरा रही हो तुम? और पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ नहीं है। मुझसे झूठ बोल रही हो? चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। मैंने स्मोक नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी। मैंने ट्राई भी नहीं किया, प्लीज दीदी मुझ पर भरोसा करो। बैठो। एक बार सिगरेट पीने से बार बार पीने का मन करता है, एक बार शराब पियोगी ना तो बार बार पीने की इच्छा होगी, उसी तरह एक बार रोमांस में खो जाओगी ना तो बार बार खोने का मन करेगा। तो मेरी तरह मत बनना, इसलिए इन आदतों से दूर ही रहना, प्यार करोगी तो एक से ही करना और उसी से शादी भी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी। आपको बताना भूल गई थी दीदी, मेरे बाबू के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है, जल्दी मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? मेरी शादी में आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर मेरे बगैर शादी करोगी ना तो मार डालूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊँ। ठीक है दीदी।
सोडा। हाय डैड। हाय बेबी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी डॉटर है क्या? मैं भी एक बार बात करना चाहती हूँ। ओके, व्हाई नॉट। हाँ बेबी, लीजा नाम की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तुमसे बात करना चाहती है। लो बात करो। हाय बेबी। हाय, हाउ आर यू? आई एम ओके। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। व्हाट डू यू मीन? गिव द फोन टू डैड। बात करो। हाँ बेबी। डैड, व्हेयर इज मॉम? वो अपने फ्रेंड्स के साथ पब गई है, तुम्हें फोन करने के लिए कह दूंगा। बाय द वे, तुम्हें पैसा वगैरह तो नहीं चाहिए? नथिंग, बाय। हाय बेबी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आप पब में हो क्या? डैड ने बताया। यस, वही मेरा क्लासमेट सिद्धू नाम का एक फ्रेंड था ना, तुम बचपन में जिन्हें अंकल कह के बुलाती थी, वही तो हमारे कंपनी के एमडी है। उन्होंने इन्वाइट किया तो जाना पड़ा, अभी वापस आ गई हूँ। मामी, इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बेबी। ओके। कभी याद आती है तब फोन करते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। मेरी खुशी तो कुछ भी नहीं है, लगता है जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि जानवरों में, पक्षियों में भी कुछ दिनों तक तो एक रिश्ता बना ही रहता है, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है भी या नहीं। तुम ही मेरी सब कुछ हो बिंकी, हम दोनों का रिश्ता अटूट है। थैंक्स दीदी। हेलो पप्पू, अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी से आओ ना। हेलो रानी, पप्पू के लिए इंतजार कर रही हो क्या? जी हाँ, आप कौन है? आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम, मैं पप्पू का क्लोज फ्रेंड हूँ। उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो उसने कहा तुमको कंपनी दे दूँ, वहाँ रेस्टोरेंट में चल के बात करते हैं और कॉफी पीते हैं ना, तब तक वो पप्पू भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैडम। मेरा नाम रिपेयर राम बाबू है। देखो राजा, मेरा नाम राजा नहीं, रानी है। मैं मर्दों को भी और औरतों को भी, औरत मर्द ना होने वालों को भी राजा ही पुकारता हूँ। देखो राजा, घर में पति से खुशी ना मिलने की वजह से बाहर आई हो क्या, या फिर वैरायटी लेने के लिए बाहर आई हो? वैरायटी के लिए आई हो तो इसके लिए ये वाला मार्केट बहुत बड़ा है और ये रास्ता ठीक भी रहेगा। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? काम धंधे वाली हकीकत बयां कर रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। किसका फोन है राजा? मेरे हस्बैंड का। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दो बच्चे हैं। तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है? बैंक में काम करते हैं। शराबी है क्या? नहीं। जुआरी है क्या? नहीं। तुम्हें परेशान करता है, कोई तकलीफ देता है क्या? नहीं। वैशी दरिंदा है क्या? मेरे पति श्रीराम जैसे हैं। हाँ तो उस श्रीरामचंद्र की सीता बनके क्यों नहीं रह पा रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब किसका फोन है? पप्पू का है। कट कर दो। राजा, ये फोटो किसकी है? इसका तो फेस ही नहीं है। ये औरत का है कि आदमी का है? आदमी का है। आदमी का है ना? अगर इस बॉडी पर तुम्हारे पति का फेस लगाएं तो वो तुम्हारा पति बन जाएगा। दूसरे सभी पार्ट्स सेम टू सेम होते हैं सबके, अगर इस पर पप्पू का फेस लगाएंगे ना तो ये पप्पू बन जाएगा, उसके भी पूरे पार्ट्स सेम टू सेम ही होंगे। और अगर इस पर मैं मेरा फेस लगा दूंगा तो ये मैं बन जाऊंगा, मेरे पार्ट्स भी सेम टू सेम ही होंगे। यही है फिलॉसफी, और कोई फर्क नहीं होगा, जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। समझ में आई बात? अब किसका फोन है? मेरे पति का फोन है। बात करो राजा। हेलो, कहिए जी। आप रुकिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। अब किसका फोन है? पप्पू का है। रिसीव करोगी या कट करोगी? कट करूंगी। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी जिंदगी सवार दी। आपने मुझे सच का आईना नहीं दिखाया होता तो मैं अपने परिवार से दूर हो जाती। नहीं नहीं बेटी, गॉड ब्लेस यू, पूरी जिंदगी खुशी से रहना, लेकिन सिर्फ अपने पति के साथ। ठीक है अंकल, बाय। जिस्मानी खुशी के नशे में धुत होकर फैसला लेने के वक्त अगर 1 मिनट अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, तो सब ठीक होगा।
हाँ बोलना वीर राजू। कहाँ यार तू, सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुझे। ले। क्या हुआ, चांद क्यों है, हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? क्या हुआ, लव प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा था ना कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़। चल अब प्यार की सजा भुगत, लड़की बुलाती है तो उसके पीछे पीछे भागा चला जाता है। कितनी बार तुझसे बोला है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे अरे तू सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहा है ना? अरे पा पॉइजन ले लिया है, कौन से हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने क्या बोला, हमारे आने तक रहेगा या निकाल लेगा? मैं पार्क में बैठा हूँ यार। पार्क में? कौन से पार्क में यार? पब्लिक गार्डन में। तू जान लेके ही मानेगा, हम लोग वहीं आ रहे हैं, तू वहीं पे रुक। ए वो पब्लिक गार्डन में बैठा हुआ, चलो चलते हैं। चलो ए विप्रो, क्या हुआ यार, 10 दिनों से खाना नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है चेहरा क्यों उतरा है तेरा, बता तो सही बात क्या है? अरे लैला छोड़ गई तो मजनू की तरह शक्ल बनाकर क्यों बैठा है? पहले ये कितना खुश रहा करता था, आज इसकी जिंदगी देखो कैसे बर्बाद हो गई है। क्या हो गया यार? क्या बताऊं यार, कल शॉपिंग करवा चुका हूं, परसों शॉपिंग करवा चुका हूं, और उस दिन ज्वेलरी भी दिलवाई मैंने। ए? कहीं तूने कोई बैंक वैंक तो लूट नहीं लिया ना? पब्लिक गार्डन में आओ कहकर वेट करवा रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया यार। तो ये फ्रूट्स क्यों ले आया तू, खा लिया होगा इसे? मेरे लिए नहीं है यार। तेरी तो? उसके लिए लाया था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया यार। तुझे धोखा दिया, इसका मतलब किसी और के साथ भाग गई क्या? इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। क्या है यार, कुछ मेडिसिन निकली है क्या? उसका आविष्कार मैंने ही किया है, रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो रास्ता ये है कि अपने लव को कभी दिल पे मत ले, और ना ही लव के डीप में कभी जाना। हेलो हेलो एवरीबॉडी, यस यस, इसे कुछ रोग हुआ है, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, हियर वी गो। कुछ रोग हुआ है, दिस इज द मोमेंट यू गॉटा सेलिब्रेट, इसको करेंगे सीधा, ब्रेक इट, यू मेक इट गॉट माय हार्ट, हियर वी गो। इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा, इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा। बन गया है मजनू ये, इसने दिल भी हारा, जुल्फों में उलझा है वारा। क्या बात है भाई, हुस्न है सजा हुआ, नजारा दिल पे तीर वो मारा है, मेरी जान ही ले ली। तू बच के रहना, बुरा दिल का हाल है। क्या हाल है? आंखों से थोड़ी पिलो, पीके जिलो, थोड़े पिलो, पीके जिलो, थोड़े पिलो। ऐसा क्या? इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा, इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा 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 सीधा। मरेगा क्या? इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा, रे इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा। प्यार हमें दो ना,
ये प्रेम रस पीने दो, है यार तेरे पीछे पीछे है हम तेरे मान लो। हाँ प्यार की ये सारी बातें आज ही कहो ना, हाँ हमसे यारी कर लो ना, अब दूर नहीं जाना है, पर यूं ही नहीं मिलता कोई, ये दिल को जरा समझा दे, दुनिया हिला तो सारी तुझो मेरी हो जाए। नींद उड़ी चैन उड़ा होना है आज नया खेल सभी ये जान लो, तड़प तड़प दिल बोले दिल में तू आए, दिल में तू आए, दिल में तू आए। ये गया, इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा, इसे कुछ रोग हुआ है, इसको करेंगे सीधा। ओह माय गॉड, रानी ने स्विच ऑफ कर दिया है, चार्जिंग नहीं होगा क्या? समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ, धूप में पागलों की तरह क्यों घूम रहे हो? व्हाट, क्या कहा? व्हाट डू यू से? मैंने कहा कि तुम धूप में किसका इंतजार कर रहे हो? वाओ, मुझे और कुछ सुनाई दिया था, मैं फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ। बॉयफ्रेंड का कि गर्लफ्रेंड का? मैं ही बॉय हूँ, मैं बॉय के लिए क्यों वेट करूंगा, नॉनसेंस। लड़की के लिए? तुम्हारा नाम पप्पू राव है ना? आई एम नॉट ऑर्डिनरी पप्पू राव, आई एम अ सेलिब्रिटी पप्पू राव। देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, या मैं रानी को अच्छी तरह से जानता हूँ। व्हाट अ सरप्राइज, रानी को आप जानते हैं? हाँ अभी आई थी वो, फिलहाल चली गई है, दोबारा आने वाली। हाँ तो उसने स्विच ऑफ क्यों कर दिया? बैटरी डेड हो गई होगी फोन की। ओ, मैंने भी यही सोचा था। अच्छा रानी ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? बहुत कुछ कहा सेलिब्रिटी पप्पू राव, चलो वहाँ चल के बात करते हैं। यस सर प्लीज कम। बाबू दो चाय देना। देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, या रानी तुम्हें बहुत पसंद करती है मेरे भाई। इट्स नेचुरल। देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, तुम बहुत बड़े जिगर वाले हो ना। या इसीलिए तो किसी के हाथ नहीं आने वाली मेरे हाथ लग गई। क्या हुआ? What's happening, sir? कुछ खास नहीं, पेट कुछ बात हजम नहीं कर पा रहा था। मेरे पावर से ऐसा ही होता है। What happened? सर अपना खाना तो सही से नहीं खा पा रहा है क्या? बाहर के खाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगर घर पे खाना सही तरह से नहीं खाएगा ना तो पड़ोस वाला आके खा जाएगा। What are you talking? सच्चाई बता रहा हूँ राजा, तू दूसरे की बीवी के साथ चोंच लड़ाना चाहता है। अगर तेरी बीवी ने कहीं और चोंच लड़ाने की कोशिश की तो? मेरी वाइफ वैसी नहीं है। हर औरत अच्छी होती है, अगर तेरे जैसे बेवकूफ पीछा करके प्रॉब्लम ना क्रिएट करें तो। अच्छा बता, महीने में कितनी बार घर में ताक देना देन करता है? अब 50 टाइम्स। अबे अरबी घोड़ी का भी इतना काउंट नहीं होता है, तेरे थोपड़े पे लिखा हुआ सिर्फ 5 टाइम्स। 10 टाइम्स। तो बाकी के टाइम का तेरी बीवी को सुख कौन देगा बे? और तू है कि किसी और की बीवी के पीछे लगा हुआ है? तेरे घर के सामने वाला, तेरे घर के पीछे वाला, तेरे घर के बगल वाला, सब तेरी बीवी के पीछे लगे हैं। इसलिए अगर घर में खाना खाएगा तो अच्छा रहेगा। ये बता तेरी शादी को कितने साल हो गए? 10 इयर्स। कितने बच्चे पैदा किए तूने? नो नथिंग। तो दूसरे की बीवी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है बे? घर पे मेहनत कर, फल मिलेगा, बाप बने का प्रमोशन मिलेगा। इडियट। ये ड्राइंग किसकी है ये बता? इसका तो सिर ही नहीं है। औरत है कि आदमी है? औरत, कंफर्म ये औरत ही है। तो अगर इस पर तेरी बीवी का फेस लगा दे तो वो तेरी बीवी बन जाएगी, बाकी सारे पार्ट सेम टू सेम है ना। और अगर इस पर रानी का सिर लगाएंगे तो ये रानी बन जाएगी, किसी हीरोइन का सिर लगाएंगे तो ये हीरोइन बन जाएगी, बाकी सारे पार्ट सेम टू सेम ही होते हैं बे। यही फिलॉसफी है, साइकोलॉजी डिफरेंट है। माफ कर दीजिए सर, मैं समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। अगर दोबारा नजर आया ना तो अपने बच्चे अपनी बच्ची के साथ नजर आना, नहीं तो ढिचकियाँ कर दूंगा मैं तुझे। ठीक है सर। अंजलि, ए अंजलि, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? हे बॉयज हमारे बारे में क्या बात करते होंगे यार। हाँ तो अचानक से तुम्हें वो क्यों याद आ गया? अब तक तो ये लैपटॉप देख रही थी, पता नहीं इसने क्या देख लिया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना न्यूज़, बताना यार। तरह तरह की बातें करते हैं यार। वो तो मुझे भी पता है, पर किस तरह की बातें?
वो देखो मैडम जा रही है ना, मैडम से पूछना बेटर होगा। क्या बात है कन्याएं, क्या परेशानी है? कुछ खास नहीं मैडम, बस इतना पूछना था लड़के लड़कियों के बारे में क्या बात करते हैं। वो बहुत ही बुरी बातें करते हैं। वो क्या मैडम? लड़कियाँ सिर्फ खिलौने जैसी होती हैं, उन्हें खेलकर छोड़ देते हैं। फालतू है लड़कियाँ, आफ्टर ऑल गिफ्ट लेकर पट जाती है। पर सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार भी करते हैं। अगर देखा जाए ना तो ऐसे लड़के तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। तुम अभी छोटी बच्ची हो ना, समझने में वक्त लगेगा। और क्या क्या बात करते हैं मैडम? और क्या क्या बातें करते हैं? तुम कैसी हो, मेरी शोना कहकर पुकारते हैं। मतलब ये भी नाटक है? 100% नाटक। टाइम टू टाइम तुम्हारा दुपट्टा पकड़कर बिना छोड़े पीछे घूमते हैं, जैसे कि मुर्गी को दाना डाल के पकड़ते हैं। तुम पर थोड़ा बहुत खर्चा करके यकीन दिलाकर वन फाइन डे वो जरूरी काम पूरा करके उसके बाद किसी को दिखाई नहीं देते और भाग जाते हैं। रास्कल्स। कन्याएं संभल कर रहना, बहुत मासूम हो तुम लोग। हाँ यार, एक दिन मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के जा रही थी तो वाह यार क्या लग रही है, अगर ये हाँ कर दे तो पूरी जिंदगी इसका गुलाम बन के रहूंगा। पड़ गई भाई। ये सब कहा उसने? अरे यार लड़कियां क्या सोचती हैं लड़कों के बारे में? यार वीर बाबू कुछ पूछ रहा है, बता रहे हैं यार। तरह तरह की सोच रखती है यार। अरे वो तो पता है, लेकिन आखिर सोचती क्या है? अरे देख, पहले तो वो हमें निकनेम से बुलाती है। नाक बड़ी हुई तो हमें बड़े नाक वाला कहती है, कान बड़ा हुआ तो हमें हाथी के कान वाला बुलाती है, पेट बड़ा हुआ तो हमें फैमिली पैक वाला कहती है, और तो और दांत बड़ा हुआ ना तो हमें फावड़ा कह के बुलाती है। यार क्या क्या बताऊँ तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। पेपर हाथ में ले ले बेटा। इतना गंदा सोचती है हमारे बारे में, उनको हमें सबक सिखाना होगा। नहीं नहीं, अगर वो मुस्कुराए ना तो भी हमें दांत दिखा के खड़ा रहना पड़ता है उसके सामने। एकदम सही बोला यार। अरे क्या सही कहा यार, पागल कहीं का, हमेशा लड़कियों की सपोर्ट करता रहता है। वो हंसेंगे तभी हम मुस्कुराएंगे क्या? नहीं तो अपने पास कोई काम धंधा तो है नहीं। अरे मेरा पेपर। उसके बिना बुलाए हम सब उसको फॉलो करते, ऐसा इल्जाम हम पे लगा रही है यार। बाप रे, फिर तो हमें गलत ही समझ रहे हैं यार वो लोग। हैं यार, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है, उनका कुछ करना होगा। हमें शुक्रिया बोलना छोड़कर हमारी बदनामी कर रही हैं। ये अच्छी लड़कियां नहीं, बुरी लड़कियां हैं। अरे रॉबिन, ये सब तुझे कैसे पता चला? यार मुझे मेरे दोस्त ने बताया। थैंक्स यार। अरे अरे कोई बात नहीं यार। तेरी तो तुझे थैंक्स नहीं बोला बे, तेरे दोस्तों को बोला। अच्छा, बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हाँ। अगर लड़कियां हमें टच करें हाँ? तो हम करंट लगे हुए कौवे की तरह सिकुड़ जाते हैं। अच्छा? मतलब उन्हीं लोगों हाँ? के अंदर करंट है, हमारे अंदर कुछ नहीं। करंट तो हमारे अंदर है ना यार, उनको करंट की क्या जरूरत है? उनके पूछने पर अगर हमारे पर्स में पैसे ना हो ना तो हम अपनी बॉडी पार्ट्स बेच के उनकी ख्वाहिश पूरा करेंगे, ऐसे बकरे लगते हैं उन्हें। और ये बातें करके वो आपस में हंसा करती हैं हम पे। ये भी तेरे दोस्तों ने बताया है क्या? यार उसी ने बताया। वो लोग सब कुछ झेल चुके होंगे तभी उन्हें ये सारी बातें पता है, इसलिए सारे सीनियर्स को मेरी तरफ से थैंक्स। लड़कियों को कभी अबला मत समझना यार, खूनी चुड़ैल होती है। इतना भी बुरा नहीं सोचते होंगे यार, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है दुनिया में। बुरे लोग बुरे तरीके से और अच्छे लोग अच्छे तरीके से ही बात करते हैं। हमेशा लड़कियों के फेवर में रहता है। हाँ यार। हाँ। लड़कों का नाम तो मिट्टी में मिला दिया। विप्रो ने जैसा बताया है उसमें एक एंगल और है यार। एक और एंगल है, वो भी बताना यार। अगर वो लड़की अप्सरा जैसी ना भी हो, उसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, उसके बाद भी अगर उसे कोई अच्छा नौजवान दिखा ना तो उसे देख के वो स्माइल करती है, कहती है क्या स्टाइल है उसका। कहती है अरे बापे क्या लड़का है यार, शादी करने के लिए सबसे अच्छा लड़का है, अगर इसके प्यार में मरेंगे तो थ्रिल की तरह होगा। ऐसा भी सोचती है लड़कियां मेरे दोस्त। तो आप बताओ मेरे बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? बाप रे, क्या कहा तूने? तेरे जैसे देखने के बाद क्या? ए, देख क्या रहे हो? मारो इसे! क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मेरी बॉडी में कुछ तकलीफ है। ओके, दो मिनट वेट कीजिए, मेरी वाइफ आकर देखेगी। ओके, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो नो, शी इज अ डॉक्टर, एक्चुअली लेडीज को वो देखती है, जेंट्स को मैं देखता हूँ बस। और उन्हें कोई तकलीफ हुई तो? नो वे, शी इज अ डॉक्टर, कम ऑन, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? फिर भी अगर हो गई तो? होगी तो दूसरों को क्यों दिखाऊंगा, मैं ही देखूंगा। कुछ देर के लिए मुझे अपनी वाइफ समझ लीजिए। ओके। डॉक्टर, एक लेडी की बॉडी के अंदर कितनी खूबसूरती होती है? बहुत सारी खूबसूरती, बता नहीं सकता, बहुत होती है। उसे देखने का अधिकार सिर्फ ऊपर उस ब्रह्मा को और उसके बाद एक डॉक्टर को होता है। मैं समझ गया, आप अंदर आइए।
ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको शराब पीने की आदत है? मैं हर आदत की गुलाम हो चुकी हूँ डॉक्टर। शराब पीती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, हुक्का भी पीती हूँ, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेती हूँ। हाँ। रोमांस भी करती हूँ डॉक्टर। समझ गया। कुछ दिन ऐसी आदतों से दूर रहिएगा, ये दवा ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? इस तरह का शेप मर्दों में होता है क्या? नहीं दीदी। एक बच्चे को जन्म देने की खुशी मर्द को मिलती है क्या? नहीं मिलती दीदी। ऐसे प्यारे बच्चे मर्दों को होते हैं क्या? नहीं दीदी। मुझे भी नहीं। दीदी, डॉक्टर ने मुझे बताया आपकी इन बुरी आदतों की वजह से गर्भाशय खराब हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आप ज्यादा ड्रग्स लेती हैं, स्मोक करती हैं और ड्रिंक्स करती हैं। अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। अगर शादी कर भी ली तो बच्चे के लिए कोशिश मत करना, इसलिए कि आपको बच्चा नहीं होगा। जो चाहती थी वो अब कभी नहीं होगा। दीदी, कहिए डैडी। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अभी नहीं डैडी। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। मेरी पहचान का एक लड़का है और मैं वादा भी कर चुका हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी ना तो मैं और तेरी माँ दोनों सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा डैड। ओके। मेरी शादी करवाकर इन्हें जरूर कोई फायदा हो रहा होगा। आपकी डॉटर अच्छी है। अरे मैं नहीं, मैं काम वाली हूँ। इट्स ऑल राइट। वाह। हाय मॉम। हाय डैड। मेरी बेटी हर्षिता। हर्षिता, इज मिस्टर संजू। दो तीन कंपनीज के ओनर हैं ये। बिग शॉट। हाय। हेलो। आप क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती हूँ। आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। संजू को तुम पसंद हो बेटी, और तुमसे शादी भी करना चाहता है। अगर तुम्हें भी पसंद हो तो। डैड, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले इनसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। Why not? Okay. मुझ में बहुत सी बुरी आदतें हैं। हे, नो प्रॉब्लम। ये तो सभी के अंदर कॉमन है। मैं इनकी गुलाम हूँ। ऑलराइट, शादी के बाद छोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद भी ये सब ऐसा ही रहेगा। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। अब इसी बात को मेरे पेरेंट्स को बताकर इस शादी से मना कर दो। क्यों बेटी, पसंद आया? हाँ अंकल, आपकी बेटी मुझे पसंद है, उसे भी मैं पसंद हूँ, बट हमारी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या हुआ, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सॉरी अंकल, हर पल कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी, चलता हूँ मैं। मॉम, डैड, डोंट वरी, मैं अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लूंगी और ढूंढने के बाद आप लोगों को भी बता दूंगी। दीदी, लंच रेडी है। ओके, चलिए लंच करते हैं। Thank you. हेलो। हाँ ओके। हाँ ओके ओके, अब मैं अभी आ रहा हूँ। वहाँ वन मिनट।
हाय सिद्धू, ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। बेबी सॉरी बेबी, आई वॉन्ट टू मूव नाउ। मुझे भी जाना है बेटी, ऑफिस से एमडी का कॉल था। लंच तो करते जाइए, राइट मिस हो जाएगी बेटी। अगली बार फुल डे का प्लान करके आता हूँ मैं। बाय बेबी। बाय बेबी। मैरिज ब्यूरो के ब्रोकर की तरह एक शादी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो चले भी गए। कोई रिलेशन नहीं, वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही मैं उनकी डॉटर हूँ। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए थे, सोचा था थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ सब मतलबी है। उनसे प्यार की उम्मीद रखना मतलब वीरान जंगल में पानी की उम्मीद करना है। कोई बात नहीं, बोलो। मेरे ऑफिस में एक मस्त लड़की है यार। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत एंजॉय करेगा। यस थैंक यू। गुड मॉर्निंग हर्षिता। गुड मॉर्निंग। इफ यू डोंट माइंड, मेरा एक काम करोगी क्या? टेल मी। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकने वाला है। उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम मांगा है उसने। तुम उसको? हाँ तो तुम? hey, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, हम दोनों की दोस्ती है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा क्या? ये तुम पहली बार नहीं पूछ रहे हो और ना ही मैं पहली बार कर रही हूँ। एक मर्डर करूं या 100 मर्डर्स करूं, सजा तो एक ही है ना। ओके ठीक नहीं है बस। एक मिनट राजा। बहना, उस बाइक में जाने वाली आपकी बेटी है ना? जी हाँ। वो बाइक चलाने वाला आपका भाई है क्या? नहीं। आपका क्लासमेट है? नहीं। आपकी कास्ट वाला है? नहीं। तो आपने उसके साथ क्यों भेजा उसे? पता नहीं क्या कौन है वो? उस लड़के का नाम माइकल है, हमारे पड़ोस में रहता है। उसकी उम्र 40 साल है। रोज वो जाते वक्त मेरी बच्ची को स्कूल ड्रॉप कर देता है। हो गया कांड। बहन जी, ऑटो के पैसे बचाने के लालच में अपने पड़ोस वाले के साथ अपनी बेटी को भेज रही है, इसका मतलब
उसकी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हैं आप। वो लड़का ऐसा नहीं है भैया, वो बहुत अच्छा इंसान है। हमारी बच्ची को लेट हुआ फिर भी वो रुक कर उसे लेकर जाता है, और तो और मेरी बेटी उसे अंकल कह के बुलाती है। इंग्लिश भाषा में अक्षरों की कमी की वजह से एक ही वर्ड को दो तीन जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कीजिए अंकल नाम के वर्ड को मामा जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और चाचा जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी बेटी को उस बाइक पे ले जाने वाला चाचा जी वर्ड को बाजू में रख के अंकल वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, तब क्या हालत होगी तुम्हारी बेटी की? आ करके मुंह मत खोलो, चील कौवे घुस जाएंगे मुंह के अंदर। बहन जी बच्ची का नाम क्या है? अनु। कहाँ पढ़ती है वो? श्री चैतन्य स्कूल में। तो जब भी वो अब स्कूल जाएगी ना तो तुम ही उसे ड्रॉप करने जाओगी राजा, किसी और के साथ मत भेजना राजा। अरे घर में क्या बोल के आये, जैसे चला रहा है? चल अपना काम कर। हेलो अम्मू राजा, कैसी हो बेटा? आप कौन है अंकल? बेटी तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम रिपेयर राम बाबू है। तुम्हारे घर गया था मैं, माँ से मिला था मैं, पता चला कि तुम स्कूल आई हो, तो सोचा गांव जाने से पहले मैं जरा तुमसे मिलता चलूँ। तो 5 मिनट हो तो आपस में बात कर ले हम लोग। आओ चलो वहाँ बैठ के बात करते। जल्दी बताइए ना अंकल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये लाइफ है राजा, जल्दबाजी मत करो। लेक्चर का क्या है, तुम्हारे नजदीक बैठे स्टूडेंट से पूछ लेना। तुम जो खोने वाली हो ना वो तुम्हारे नजदीक बैठा स्टूडेंट नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। अच्छा तो ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है? माइकल ने दिया है ना? जी हाँ। लैपटॉप भी दिलाएगा, ये भी कहा ना उसने? उसने दिया है, आपको कैसे पता? हमें सब पता चलता है बेटी, ये सब अनुभव से प्राप्त होता है राजा। माइकल बहुत खुश होके जा रहा था यहाँ से, तो क्या तुम भी उसे कोई गिफ्ट देने वाली हो? नहीं, वही देने वाला था। डायमंड रिंग देने की बात कही क्या उसने? हाँ, जी हाँ। सिनेमा का ऑफर भी दिया होगा उसने? हाँ, कहा तो है। तुम जाने वाली हो क्या? जाने वाली हूँ। वही तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। देखो राजा ये एक जाल है, वो तुम्हें अच्छे गिफ्ट देकर तुम्हें अच्छे से खुश करके तुम्हारी मासूमियत को बर्बाद करना चाहता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, उसका गिफ्ट उसके मुंह पे मार दूंगी। मारो मत बेटा, अगर मारोगी ना तो वो भाग जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ। क्या मुँह, लेट हो गई? देर क्यों हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। हाँ तो देर किस बात की है, चलो ना चलते हैं, क्योंकि तेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आया हूँ। अपनी खुशी मिटाने के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहा है राजा? अम्मो चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। डर लग रहा है। डर लग रहा है, डर किस लिए अम्मो, मैं हूँ ना यहाँ, टेंशन मत ले, स्मूथली डीलिंग कर लूंगा। स्मूथली डील करेगा राजा, मतलब धोखे से गला काटेगा तू। अम्मो यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। आपकी वाइफ को हमारे अंकल ने देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है अम्मो। एक सर को आपकी वाइफ चाहिए, भेजेंगे क्या? क्या बात कर रही है अम्मो, कौन बोल रहा है, उसकी जान ले लूंगा। थोड़ा और जोर से मारो राजा, गाल लालम लाल हो जाने चाहिए, मारो। क्या हुआ अम्मू, आज तू ये क्या कर रही है, क्या हुआ, अजीब सा बिहेव कर रही है। इसमें अजीब सा कुछ भी नहीं है राजा, अम्मू को जो लॉजिक बताया था ना दोबारा मैं तुम्हें भी बताऊंगा। अम्मू नाम की लड़की लाइफ का एग्जाम लिखने के लिए सब कुछ नया चाहिए यही सोचती है, और तुम हो कि चूसे हुए आम की सूखी गुठली दिखते हो, पुराने खंडर दिखते हो तुम, उसको पेंट करने से बताओ क्या फायदा होगा। अगर तुमने बालों को कलर कर लिया तो जो जवानी तुम्हारी बीत चुकी है वो बालों के काले कलर से वापस आ जाएगी क्या? शरीर तुम्हारा खंडहर है और यही सच्चाई है, खंडहर का कुछ नहीं हो सकता, बोलो कुछ हो सकता है क्या? घटिया आदमी, फालतू आदमी, नीच तुष्ट आदमी, इस लड़की की उम्र कितनी हो, तेरी उम्र कितनी है, कुछ बताया तुझे? सारा काम बिगाड़ दिया। जाओ। ये भी लेकर जाओ। किसी दूसरी लड़की को ड्रॉप करने का सोचा तो तेरी लड़की को भी कोई ना कोई ड्रॉप करेगा, तो ऐसे पलटवार के लिए रहना तैयार। क्यों मस्का लगा रहे हो? नहीं आइसक्रीम खिला रहा हूँ मेरी जान। आज स्पेशल पेयर क्यों दिखा रहे हो? ऊपर से कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा तो ठंडी रहोगी ना।
कल से परसों से आज बहुत सुंदर देख रही हो। दिन ब दिन तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है। ये तो नेचुरल है ना, आखिर चाहते क्या हो जो इतनी दूर लेकर आए हो? कुछ भी नहीं मेरी जान, हमारे दोस्त रिसोर्ट में पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तुम्हें आना होगा। क्या प्लान किया है तुम लोगों ने? ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं है, जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बिरयानी वगैरह खाकर एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे ना? तेरी कसम ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। क्या होने नहीं दोगे? वही तुमने कहा ना, ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं किसी को नहीं करने दूंगा। अच्छा फिर ठीक है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। आज मेरे लिए छाता क्यों पकड़ कर रखा? तुम पिघल न जाओ इसलिए। तुम भी छाते के नीचे आ सकते हो ना? तुम्हारा साया बनना ही मेरा मकसद है। वैसे भी तुम राजकुमारी हो ना, मेरा क्या है, मेरे लिए तो चाहे धूप हो छाओ एक ही है। श्रुति, 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 अच्छा हम दोनों कहीं टूर पे चलेंगे? मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। मैं साथ रहूंगा ना मेरी जान। इसी बात का तो डर है। हाँ तो मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, इसीलिए तो बात कर रही हूँ। तो हमारे दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज किया, वहाँ पे चले क्या? वहाँ हम क्या करेंगे? खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, स्पेशली थम्स अप पिएंगे, ओके? ये सब तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। जानू 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 जानू, ये मेरी इज्जत का सवाल है, बिना तुम्हारे में भाग जाऊंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे पता है? वेस्ट फेलो, डफर फेलो, किसी काम का नहीं है ऐसा कहेंगे। ये सुन के मुझे दर्द होगा, उस दर्द को लेकर कैसे जीऊंगा? मैं खुद नहीं जाता। श्रुति प्लीज बोल दो ना कि तुम्हारी हूं, आ रही आ रही हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, प्लीज 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 श्रुति बोल दो ना, बोल दो ना, बोल दो ना कि तुम्हारी हूं, आ रही हूं, मेरी जान, ठीक है, आ रही हूं ना, आ रही हूं ना। अंजलि, हमारे दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज की है। कैसी पार्टी? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, खाने के बाद थोड़ी देर एंजॉय और डांस करेंगे। मना मत करना प्लीज, मना मत करना प्लीज प्लीज। ओके ओके, यस, थैंक यू। तुम्हारे लिए लाया हूँ कौसु। तुम ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, इतनी जल्दी भी क्या है? परसों एक घंटे देर हो गई थी तो हंगामा मचा दिया था। तुम्हारे गले में अच्छा लगेगा इसीलिए। मुझे सवारने वाले तुम नहीं हो। क्या हुआ कौसु, क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये अच्छा नहीं होगा ना, ये सब करने के लिए शादी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेप वही है ना कौसु? वैसा ही समझो। हे, इंतजार नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए कितने भी जन्म वेट करूंगा कौसु, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मैं। हर दिन तो मैं तुमसे मिल रही हूँ ना, हम दोनों की केमिस्ट्री बढ़ते ही जा रही है ना। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान नहीं चाहिए, अपने ही पास रखो, उससे भी अनमोल चीज मैं तुम्हें दूंगी। इस प्यार से अनमोल चीज मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कल हमारे दोस्तों ने पार्टी अरेंज की है, उस पार्टी में हम जाने वाले हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बहुत जल्द एक गिफ्ट दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इस जन्म के लिए तुम ही मेरा गिफ्ट हो। चलती हूँ। छोड़ दिया तो ये तो पागल ही हो जाएगा। हमारा प्लान सक्सेस हुआ, तो इसका कभी कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अब हमें अपने अरमानों को पूरा करना है। इतने दिनों से हमें एटीएम की तरह यूज कर रही थी। अरे तुझे पता है परसों ही मुझसे 1,00,000 रुपए लेके गई। मैं यहाँ दो काम से आई हूँ, एक तो तुम्हें देखने के लिए। ये पक्का झूठ है। सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपनी कसम खाओ ना। अगर मैं अपनी कसम खुद खाऊंगी तो उसका फायदा क्या होगा? जैसे तुम झूठ बोल रही हो, बलि तो मेरी ही चढ़ने वाली है ना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ ना। क्या बात है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, दूसरी बात क्या है? शर्मा क्यों रही हो, बोलो तो सही। थोड़े पैसे चाहिए थे। कितना चाहिए? मेरे लिए नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए। ओह, तुम्हारे फ्रेंड के लिए? उसे सिर्फ फ्रेंड मत समझो बाबू, वो तो मेरी जान है। हाँ तो मैं बकरा हूँ क्या? जी हाँ। क्या कहा? अब तो मैं कैसे बताऊँ सच क्या है? तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताओ और कुछ? मेरे फ्रेंड की। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड की क्या? क्या बताऊँ यार, उसकी किडनी खराब हो गई है। ऐसा क्या? अब कितना चाहिए होगा? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सुना रही हो, अगर मेरा हार्ट फेल हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए तो
हार्ट अटैक की गोली दे दी। अच्छा तो तुम लड़कियां अब ये भी प्रिपेयर करके आने लग गई। ऐसा नहीं है यार, अगर वो मेरी धड़कन है तो तुम मेरी जान हो। मेरे सेव किए हुए पैसों को एक साथ विड्रॉ करवाना चाहती हो? चलो कहाँ चलना है? बैंक चलते हैं ना, डालने के लिए। हाँ तो शॉर्ट नहीं डालोगी क्या? कुछ दिन में ये भी उतरने वाला है। मेरे जैसे राजा को तुमने सड़क पे ला दिया। हम लड़कों का पैसा ऐसी लड़कियाँ ले जाती हैं। चलो। हाँ यार, उनके पीछे कुत्ते की तरह जाना, उनको खिलाना, इनकी वजह से टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, हेल्थ वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। चारों लड़कियाँ बहुत चला गया यार, सही बोला तूने। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये गलत है, प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ तो लड़कियों का सेवक बनकर लड़कियों की सेवा करता रहा। वैसे भी तेरी हर महीने की सैलरी तो कौशल्या की ज्वेलरी में जाती है। लास्ट में अगर तुझे हमें चाय भी पिलाना होता है तो उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं, समझा? हम लोग जुगनू की तरह हैं विप्रो, एक फूल से दूसरे फूल पे जंप करते रहना चाहिए। हाँ। क्या बोल रहा यार, फाइनली फ्रेश लड़की को पटा कर जबरदस्त दहेज लेते हैं, उससे शादी करने के बाद अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हाँ तो उन लड़कियों का क्या होगा? कौन है यार ये, उन्हें कोई दूसरा बकरा मिल जाएगा। लेट्स गो यार। चल यार। ये क्या है राजा, यूथ कैसा हो गया? असल में ये कॉन्सेप्ट क्या है राजा? हे, कल पार्टी के लिए सब रेडी है ना? या हमें पार्टी के लिए मनाकर हमारे लवर सोच रहे हैं कि वो सक्सेस हो गए हैं। इधर आओ, हम ऑलरेडी पार्टी के लिए प्रिपेयर हैं, ये उन्हें पता नहीं है। पता चले तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। देखो, मर्दों को जितना इस्तेमाल करना है ना उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में ना बॉल पॉइंट पेन के जैसे यूज करके खत्म होने के बाद डस्टबिन में फेंक दो। हाँ यार, जैसे ताजी सब्जी हम लोग चुन के खरीदते हैं ना, वैसे रिच लड़के से मैरिज करके सेटल हो जाना चाहिए। यस, दिस इज नाउडेज कॉन्सेप्ट। अरे वाह, ये क्या कह दिया तूने अंजलि, मैं इससे अच्छी तरह कनेक्ट हो गई। हाँ तो तुम सच में प्यार नहीं करती? हाँ, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तो प्यार किया था। बेचारे पागल हो जाएंगे यार। होने दे, हम क्या करें। हाँ तो धोखा दे देंगे। हाँ, ये तो गलत है ना यार। तू अगर अपने लवर को नहीं छोड़ेगी ना तो सारी जिंदगी खड्डे में जाएगी, उसके बाद भजन गाती फिरेगी। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या हो गया राजा, सब एक से बढ़कर एक, लड़कियों का माइंडसेट भी ऐसा क्यों हो गया है राजा? हमारे देश की युवा पीढ़ी को ये क्या हो गया? ऊपर वाले। प्यारे बटले, तुमने तो एकदम फर्स्ट नाइट के जैसे तैयारी की है। बटला हूँ या लंबा हूँ ये बात जरूरी नहीं है, कितना मजबूत है वो जरूरी है। क्या है वो? अरे वही बॉडी। पार्टी के नाम पे सब मस्ती कर रहे हैं, हम भी थोड़ी मस्ती करें तो अच्छा रहेगा ना। मार डालूंगी, तुम्हें पता है ना ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये सब करना है तो शादी की बात करना। ठीक है मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो मेरी जान? जोक जोक था मेरी जान। क्या हुआ? शर्माना मुझे चाहिए और शर्मा तुम रहे हो। ये सब कुछ आफ्टर मैरिज। ये डायलॉग तो मेरा है। विप्रो थोड़ा एडवांस बनो यार। ठीक है। सब तो ठीक है, ये तैयारी किसके लिए? अब तुम्हारे लिए अंजलि, बस एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। तुम तो बहुत फास्ट हो। We'll be right back.
घूम रहा है क्या? अरे रे 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 रे, ठीक है ठीक है, तुम सो जाओ सो जाओ, हाँ सो जाओ सो जाओ, एकदम आराम से। हमेशा लड़कियों को यूज करके लड़के धोखा देते हैं। लड़कियों ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जब लड़कों की इज्जत नहीं जाती है तो हमारी क्यों जाएगी? सब एक ही है ना, इसीलिए हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। एनीवे, टेक केयर। अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना हो तो तुरंत सिम को बदलना होगा। सही कहा, बदल देंगे। हाँ क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? हाँ यार, उन्हें धोखा दे रहे हैं। बेचारे पागल हो जाएंगे यार। पागल करने के लिए तो धोखा दे रहे हैं। कोई भी धोखा दे, बैंड तो हमारा ही बजेगा। कुछ भी हो, हमेशा लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम फौलाद हैं, बता देंगे। तुम सिम नहीं बदल रही हो। मैं नहीं बदलूंगी, वीर बाबू मेरी लाइफ है। भाड़ में जाओ। आज से हम अपना सेटअप ही बदल देंगे। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार, कमाल था। हाँ यार, सब कुछ थ्रिलिंग है यार। सिर्फ 3-4 फूल नहीं, पूरा बगीचा मिला था यार। खिला पिला के मैंने उसे मूड में लाया था यार। कल सारे पैसे वसूल कर लिए मैंने। भाई सिम बदल ले आज, नहीं तो वो लड़कियाँ हमारे नाम का बिल लेकर फील होके हमारे पीछे पड़ जाएंगी। हाँ यार, ये जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ सही है यार। सिम ही नहीं, हमें एड्रेस भी बदलना होगा यार। ये गलत है यार, ऐसा मत करो। गलत वलत कुछ नहीं है यार, तू नहीं बदलेगा क्या? मेरा लव सिंसियर है, मैं नहीं बदलूंगा। ए, तू हमारा एड्रेस मत बता देना। क्या हुआ, फोन कर रहा उसे, उठा नहीं रही है ना? बैटरी लो हो गई यार। किसकी, तेरी या फिर तेरे लवर की? फोन तो फुल चार्ज बता रहा है। उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी यार। भाई तुझे कैसे सब पता चलता है? सेल स्विच ऑफ हुआ मतलब चार्जिंग खत्म हुई होगी ना। हेलो, कौसु पर इतना भरोसा? उसने खुद स्विच ऑफ किया हो तो? नहीं करेगी। सिम बदल दी हो तो? नहीं बदलेगी। उसका भी एक है, मेरा भी एक है। यार तू उसकी तारीफ करना बंद कर, हमारे पास भी आंखें हैं, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। चल यार चलते हैं। हर्षिता, यू नो एरो एयरलाइंस कंपनी इज द बेस्ट। या उस प्रोजेक्ट को लोकल कंपनीज को देना चाहते हैं। शहर की सारी बड़ी कंपनियां उस प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन में हैं। IBM एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। आई वांट द प्रोजेक्ट। हु इज द CEO? मिस्टर स्टीवनसन। किसी के आगे नहीं झुकता। वैसे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मा ब्रह्म ऋषि भी कांता के आगे झुक चुके हैं। वो कल ही इंडिया आ रहा है, मैं खुद एयरपोर्ट जाऊंगा उसे रिसीव करने। गेस्ट हाउस पे कैंडल लाइट डिनर के लिए लाऊंगा, बाकी का काम तो तुम संभाल ही लोगी। ओके, डन। दिया 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 पिया 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 मेरे पिया। दिया 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 दिया
सैया 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 अब ना डरो अब ना डरो आगे बढ़ो मेरी जान हे बाहों में लो कुछ तो करो मेरी जान है मौका देखो हाँ आगे बढ़ो दो तन मन एक हो ना कुछ दूरी हो तन बदन की आग मेरी मिट जाए हाँ जवानी में अकेले हम दुनिया अब ना डरो अब ना डरो आगे बढ़ो मेरी जान बाहों में लो कुछ तो करो मेरी जान दिया 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 Not this, but that. सुना ब्रह्मचारी हो? Really? Yes, I'm really Brahmachari. Akhand Brahmachari. Bhoon ke rakh do. Tujhe nahi, tere Brahmachari ko. I'll shoot you, Stevenson. Jiska koi maksad nahi hota, wo Brahmachari hota hai. जिसका मकसद होता है वो व्यापारी होता है आई एम टेलिंग इट कॉन्फिडेंटली इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी
नॉट पॉसिबल, इट्स 500 करोड़ प्रोजेक्ट, मैं नहीं करूंगा। वैसे घूसखोरी और चमड़ीखोरी के आगे नहीं झुकता ये स्टीफनसन। आई एम अ स्ट्रिक्ट एंड सिंसियर ऑफिसर, यू नो। क्या है तेरी सिंसियरिटी? मेरी इस रिश्वत के लिए तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। फूल, तो एक सिग्नेचर की क्या औकात? मेरे प्यार का जाम पियोगे तो अपना ब्रह्मचर्य भूल जाओगे। नशा चढ़ गया ना, आखिर मेरे पास आ ही गए। To woman. आदमी हमेशा औरत का गुलाम होता है।
औरत अगर चाहे तो किसी का भी ब्रह्मचर्य तोड़ सकती है। हर्षिता, दिस इज द फाइल। थैंक यू सो मच हर्षिता, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा काम हो गया, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तुम मुझे जो देना चाहते हो दे दो। ब्लैंक चेक। थैंक यू। उसने क्यों स्विच ऑफ किया होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वह भी यही सोचती होगी ना, प्यार तो ऐसा ही है ना। अरे ये क्या, ये तो सीधे हॉस्टल में आ रहा है। अब क्या करूं? हेलो हेलो मैडम, यहाँ एक लड़का है जो हर दिन मेरा पीछा करके मुझे परेशान करता है। अभी हमारे हॉस्टल के सामने खड़ा है। उसका नाम विप्रू सीनू है। उससे कह दीजिए मैं गांव गई हूँ। ठीक है कौशल्या, रुकिए। किनसे मिलना है? कौशल्या नहीं है, गांव गई है। आपका नाम क्या है? विप्रू सीनू। ये लेडीज हॉस्टल है, यहाँ लड़कों का आना मना है। दोबारा मत आना, आओगे तो पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी। जाओ। बाप रे, मुसीबत टल गई। दोस्तों, अगर हमारे नसीब ने यू टर्न ले लिया तो हमारी लवर से आ गई तो ये नई जगह है ना यार, यहाँ नहीं आ सकती। सही है यार। भाई वो आने वाली हमारी लवर्स तो नहीं है ना? कहीं उन्हें पता चल गया हो कि हमने सिम चेंज कर दिया है, इसलिए नकाब से अपना चेहरा ढककर हमें ढूंढ रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है यार, हमारे लवर्स भला चेहरा ढक के क्यों घूमेंगी? वो भी हमें ढूंढने के लिए। ये क्या यार, ये तो यहीं खड़े हैं, लगता है हमें पहचान लेंगे। हम यहाँ आने वाले, उन्हें कैसे पता चला? हमारे लिए वेट कर रहे हैं क्या ये लोग? उनकी शक्ल तो देखो, वो इतने स्मार्ट नहीं है। चलो। ए सुनना यार, ये तो पीछे से मेरी लवर की तरह लग रही है। लवर की बैग क्या मस्त लग रही है यार, कसम। अरे यार, ये पिंक ड्रेस वाली तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लग रही है। अबे बकवास मत कर। वो लोग अभी फ्रेश है यार, फ्रेश है या बासी? जरा सोच उनके कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे। दीदी, टैबलेट। आ सकता हूँ क्या? वेलकम। अचानक कैसे आना हुआ? काम से जा रहा था, तुम्हारी याद आ गई, ऐसे ही चला आया। ओके। कौन है ये लड़की? मेरी सिस्टर है। मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी सिस्टर भी है। ब्लड रिलेशन नहीं है, गॉड रिलेशन है, भगवान का दिया वरदान। सिर्फ कॉफी पिलाओगी? और कुछ नहीं? क्या चाहिए? दीदी बॉटल लेकर आऊं क्या? तुम मत लाओ, अंदर जाओ। ओके। हर्षिता, अपनी कंपनी को नंबर वन पोजीशन पे लाना है। अभी भी नंबर वन पोजीशन पर ही है। जस्ट अ मिनट, अभी बैक। ओके। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। दीदी को बुलाती हूँ। दीदी को बुलाएगी तू? तेरी दीदी क्या कर लेगी?
वो जानबूझ के छोड़ गई तुझे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। बास्टर्ड। फोन पे रख दूंगी तुम्हें। ये रास्कल। कंट्रोल, कंट्रोल हर्षिता। मेरी बहन है, बताने के बाद भी तुमने इसके साथ ये सब किया। तुम इंसान हो या जानवर हो, ये मेरी फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए। सॉरी हर्षिता, तुम उससे इतना प्यार करती हो पता नहीं था। चले जाओ, एक मिनट और मेरे सामने रुके तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। कूल, फर्स्ट यू गेट आउट आई सेड। ओके ओके। दीदी। नमस्कार रिपेयर राम बाबूजी। मेरे साथ साथ बहुतों का घर परिवार रिपेयर किया है आपने। इफ यू डोंट माइंड, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। व्हाट अबाउट यू? मेरा क्या है सेलिब्रिटी पप्पू राव, सोने जैसी बीवी है, मोतियों जैसे दो दो बच्चे हैं। वन फाइन मॉर्निंग एक मैडम मेरी आंखों के पैमाने में उतर गई और फिर क्या था, सूखे जीवन में हरियाली हरियाली छा गई। बाप रे, लेडीज को लिफ्ट नहीं दूंगा मैं। मेरा नाम चंद्रकला है, यही मेरा घर है। आइए ना, कॉफी पिलाती हूं। मेरा नाम राम बाबू है, कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एक बार आइए ना। अम्मा ये क्या हो गया, ये तो गया काम से। अरे अम्मा, इतनी जल्दी कैसे गिर गए? अरे 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 अरे, फंस गया अब ये तो चक्कर में, लूटेगी इसको। फंस गया अब ये तो चक्कर में। अरे 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 अरे। पैंट थोड़ी उठाइए ना। पैंट उठाऊं? बस इतना ही ना? थोड़ी और। और ऊपर? थोड़ी और। इतना ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा अम्मा। ए, हाँ? क्या देख रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने। कुछ भी नहीं? मैंने कुछ देखा ही नहीं ना। मैं सब देख रही हूँ। लेकिन कुछ देखा ही नहीं मैंने। ए चोर, मैंने सब देखा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। चल बदमाश। हाँ मैं चुटकी भर का बदमाश जरूर हूँ। उस दिन से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, घर जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दिया, दोस्तों के पास जाना छोड़ दिया। हर दिन हर पल चंद्रकला के घर में था राजा। कहीं वो भाग तो नहीं गया ना? हेलो डार्लिंग। क्या डार्लिंग, इतने लेट क्यों हो गए? एक मिनट ही तो लेट हुआ हूँ राजा। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में बहुत सारा काम कर सकते हैं। चंद्रकला, किसी अप्सरा से बिल्कुल भी कम नहीं हो तुम। जानू, क्या है बोलो चंद्रकला? ये घर बिकने वाला है। हाँ? मेरे पास थोड़े पैसे हैं। हाँ? अगर थोड़े तुम दे दो तो। कितना चाहिए ये बोलो चंद्रकला। सिंपल, जस्ट 25 लाख्स। 25 लाख्स क्या, मैं नहीं दूंगा। मैं तुझे 25 लाख्स ना देते हुए 1016 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। मैं 25 लाख 1016 रुपए दे रहा हूँ तुझे। मांगती रहे चंद्रकला, मैं देता रहूंगा। ये चेक पे साइन हो चुके हैं, अब इस चेक को तुम बैंक में ले जाके कैश करवा लो। ओके चंद्रकला। मेरा जानू कितना प्यारा है। आ मेरे गले लग जा,
मेरी ठंडक की गोली। तब तो आपने खूब इंजॉय किया होगा। कुछ काम बना? वो तो मैं नहीं जानता पप्पू राव, ऊपर उस भगवान को पता होगा या फिर नीचे इस चंद्रकला को पता होगा। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की तो गुलाब जामुन थी लेकिन मैं तो उसे चेक ही नहीं पाया राजा। बस मैंने इसी तरह कुछ दिन और बिता दिए। एटीएम कार्ड पूरा खलास, चेकबुक के सारे पेज खलास, सारी जायदाद नीलाम हो गई और उसकी जायदाद बढ़ती चली गई। वन फाइन मॉर्निंग मेरी बीवी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। सब खत्म। मेरे साथ रहने से मना कर दिया, मुझसे बात करने से मना कर दिया, मुझे तलाक देना चाहा, बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। तब से मैंने ये तय किया कि लाइन से हटके चलने वालों को मैं सीधे लाइन पे लाने की कोशिश करूंगा। उनकी दुआ से मेरा संसार भी लाइन पे आ जाए, इसलिए मैं सबकी मदद करता जा रहा हूँ राजा। तो फिर ऑल द बेस्ट। संसार सेट करने के लिए ऑल द बेस्ट कहा है क्या, या काम करने के लिए ऑल द बेस्ट कहा है? ओह माय गॉड, उसकी शादी तो आज ही है। ओम गणानांत्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियानांत्वा प्रियपति गुंगवामहे, ओम श्री ब्रह्मणाम ब्रह्मणाम। बाबू मंगलसूत्र पहनाइए। ओम गणानांत्वा गणपति गुंगवामहे। पंडित जी रुक जाइए, मेरी दीदी के आने के बाद ही मैं शादी करूंगी। बेटी मुहूर्त निकला जा रहा है, दुर्मुहूर्त चालू हो जाएगा। दीदी आएंगी वही मुहूर्त शुभ होगा। हाँ हाँ, शुभ मुहूर्त होगा तभी मंगलसूत्र डालूंगा। बकवास मत कर, तूने पसंद किया इसलिए बिना दहेज के मान गया मैं, उसे समझ में नहीं आ रहा। शायद वो किसी काम से रुक गई होंगी। एक फोन तो करो बेटा, भूल गई होंगी। नहीं करूंगी, वो जरूर आएंगी। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी। लगता है हमसे बढ़कर इसकी दीदी है, बिन बाप की बच्ची है ऐसा सोच के शादी कर रहा हूँ तो सिर पे अड़िए। चल बेटा चल। मैं नहीं आऊंगा डैडी, मल्लिका के गले में मंगलसूत्र डाला है। वो मना कर रही है तो तू क्यों उतावला हो रहा है? इससे भी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगा, चल आजा। वो देखो बाबू, दीदी आ रही है। पंडित जी इन्हें जल्दी से आज्ञा दीजिए। God bless you. Thank you. Wish you a happy married life. अपनी प्यारी बहन को मैं अपनी तरफ से 25 लाख का चेक दे रही हूँ और एक फ्लैट। किलो कीज। मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके दीदी। Yes. अबे तू ऐसे क्या देख रहा है यार? हर बात तुझे बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा क्या? चल पीना, कोई मारेगा नहीं। नहीं यार, मुझे आदत नहीं है। हमें आदत है क्या? तूने हमें शराबी समझ रखा है? ये तो बस हम ऐसे ही जस्ट फॉर चेंज। अरे यार किससे पूछ बैठा, ए चलना दारू पी। पिला, पिला। भाई किसी अच्छी लड़की के बारे में बात करना यार। आ, तुमको काजल के बारे में बताऊं क्या, या फिर कोई सेक्सी हीरोइन के बारे में? उसके बारे में जानते हैं ना, किसी और के बारे में बात करना है। ठीक है फिर अपनी लव स्टोरी के बारे में सुनाता हूं। अबे तेरी लव स्टोरी के बारे में भी जानते हैं, बोरिंग है। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तेरी मैडम के बारे में बताना। करेक्ट टाइम पे याद दिलाया तूने, मेरी मैडम जबरदस्त है यार। हमारे चेयरमैन उनका जबरदस्त यूज कर रहे हैं। अच्छा? जो भी वो मांगते हैं मना नहीं करती। अब तो फिर मैं भी ट्राई करूं क्या यार? चलो रे, चलो ट्राई करते हैं। अरे मैं गिरा, समझ नहीं जाएंगे। चेंज चेंज। हिलेगी तो भेजा उड़ा दूंगा, जैसा बोलता हूं वैसा कर। जाने दे, चला गाड़ी चला। क्यों रे छोटू, वो अभी तक क्यों नहीं आया? ना भाई, तेरे से ही बोल रहा हूँ, जल्दी गाड़ी चला चला। भाई लगता है वो लोग आ गए। वही है भाई। अरे चला उतर, बाहर निकल। क्या रे समझ नहीं आता क्या? उतर नीचे चल। आ?
अरे मस्त छोरी है, एंजॉय करके मार देंगे। ठीक है भाई। हाँ तो देख क्या रहा है? है भाई ने कहा है ना, प्रोफेशन प्रोफेशन ही है। कौन हो तुम लोग और तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? हम नहीं जानते, भाई ने बोला है तो तुम्हें मारना ही होगा। रंजीत कुमार, आपने उनको गन से मारना चाहा, इसलिए आपको मारने के लिए 50 लाख की सुपारी थी मैडम। ए रंजीत, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है ना, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ और मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं। अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की सोचा भी ना, तो ना तू रहेगा और ना ही तेरी कंपनी। मेरी वजह से यहाँ तक पहुंचा है और अब मुझे ही रास्ते से हटाना चाहता है, ब्लडी रोग। मल्लिका देखो जरा कौन आया है। मल्लिका, ओ गॉड, मल्लिका की तो शादी हो गई है। I'm alone. What a surprise, come in. बैठ जाओ। मैडम ये मेरा दोस्त विप्रो सीनू है, विप्रो कंपनी में काम करता है। मैडम नमस्ते। मैडम ओके, इस वक्त यहाँ क्यों आए? वही बोलना, बताने से डर लग रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बात यह है ना मैडम कि ये लोग चुप। जस्ट अ मिनट। क्या बात है यार, काम हो जाना चाहिए। मेरे पास तो एक ही है यार, मैं चलता हूँ। अरे बैठना, कहाँ जा रहा है, बैठ। जो हम करेंगे वही तू भी कर। अब बताओ क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी कम है क्या? स्पीड बढ़ा दो। नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं। शराब पियोगे या ऑलरेडी पी कर आए हो? सिगरेट पियोगे? कुछ करना नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? मुझसे रोमांस करने आए हो क्या? क्या रोमांस करने के लिए आए हो? तो बताओ ना क्यों आए हो? ये बात है ना मैडम, ये लोग। अबे चुप हो जा, मुझे नींद आ रही है। तुम लोगों को जो भी करना है करो और चुपचाप सो जाओ। हाँ ठीक है मैडम। अरे यस, अबे बहुत पी लिया, मुझे भी देना। पहले तू करना यार, ऊपर से नीचे तक गीला हो चुका हूँ। हे विप्रो तू जाना यार। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मार डालूंगा तुझे।
अब तू ही बचा है मेरे यार। Come on, करो ना। कोई बात नहीं, तुम सब कैसे लड़के हो? मेरे पास क्या है? ऊपर से अच्छी हूँ लेकिन अंदर से सब कुछ खराब है। जीतना है तो प्यार से जीतो। किसी लड़की से प्यार करो तो सिंसियरली करो, और सिर्फ उसी के लिए जियो और सिर्फ उसी के लिए मरो। अपनी एक इमेज बनाओ। तुम में से कोई भी मुझ जैसी लड़की से शादी करेगा? नेवर। तुम्हें कुमारी लड़की चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी हो, ना कि मेरे जैसे हर किसी की। आजकल के लड़कों का माइंडसेट मेरी समझ से तो बाहर है। कम ऑन, आ जाओ, एंजॉय कर लो। बहुत से लोगों को सुख दिया है इस बॉडी ने, तुम लोग भी कर लो। गंगा नदी में मोक्ष हासिल करने वाले भी डुबकी लगाते हैं और अपनी गंदगी को साफ करने वाले भी। और गंगा सबको पवित्र बनाती है। That is गंगा। आओ, come on। मैडम माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राघव राव जी, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सॉफ्टवेयर में काम करता है भाई जी। सैलरी कितनी है? महीने के 30,000 मिल जाते। सिर्फ 30,000? हाँ। बच्चे लोग अपनी जरूरतों के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए आपको सैलरी कम बताते हैं। मेरा बेटा हीरा है भाई जी, संस्कारों में पला है। इसी बीच एक लड़की को देखा है। मेरा लड़का बुरा नहीं है भाई जी, लेकिन थोड़ा बहुत शक तो बना ही रहता है ना। जरा फोन करके पूछ लेते। hey, मेरे डैडी है यार। हेलो। हाँ पापा बोलिए। कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरे लिए लड़की? लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो संस्कारी होनी चाहिए पापा। सही कहा बेटा, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है बेटा। लड़की भी बहुत सुंदर है और उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है बेटा। कैसा एक्सपीरियंस? अरे वही बेटा, तेरी जॉब की तरह का एक्सपीरियंस। तो इतना बड़ा पॉज क्यों मारा आपने? सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ठीक है, तेरी सैलरी कितनी है? 30,000 बता दूं ना? नहीं, 50,000 बताइएगा। लेकिन बेटा तूने तो मुझे 30,000 बताई थी। बाकी 20,000 कटिंग में चला जाता है ना पापा, इसलिए मैंने आपको 30,000 बताया। बताइएगा कि इस महीने मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है ना पापा? ठीक है बेटा, आपकी बात सच निकली माधव जी। वो लड़की एकदम संस्कारी होनी चाहिए पापा, ये बात मत भूलिएगा। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है रे। उसे मना कर दीजिए पापा, उसे मना कर दीजिए। अरे बताया तो ना बेटा तुझे, तेरी तरह जॉब का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ओहो, तो इस बार आपने फिर से पॉज ले लिया था। ठीक है पापा, ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय। तुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो उस लड़की को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्या? जिस पेन से लिखते हैं ना वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, किताब को क्या जरूरत है। क्या हालत हो गई है यार हमारी, लड़कियां हमारा टेस्ट करने पर खुली हैं। शादी होने से पहले कितनों के साथ घूम लो कह रही थी यार, इसीलिए तो मैं डर कर आ गया। मैंने देखा है कि वो लड़की डॉक्टर के साथ घूमती है, टेस्ट कराती तो पकड़ा जाता। मेरी भी वही कहानी है यार, तुम लोग बस बता रहे हो और मैं बता नहीं पा रहा हूँ। डेटिंग पे तो गया था पर उसका मन पता ही नहीं चला यार। उससे पहले कितनों के साथ डेटिंग की? 5 लड़कों से, इंक्वायरी में पता चला। कैसे हो तुम लोग? पता नहीं, बस ऐसे ही बैठे सर। हाँ सर। फ्रेश मिली क्या? फ्रेश बाबू, 3 प्लेन कप्स लेकर आना जरा। देखो ये खाली 3 कप है। राजा तुम्हें एक टॉपिक पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये सभी खाली फ्रेश कप्स हैं। इसे ऐसे उंगली से हिला दिया और जूठा कर दिया और यहां छोड़ दिया। फिर एक और नया फ्रेश कप लिया, उसे भी इस तरह से हिला लिया, जूठा कर दिया और यहां रख दिया। हम ऐसे ही हिलाते चले जा रहे हैं, जूठा करते चले जा रहे हैं, और बावजूद इसके हर बार फ्रेश कप की डिमांड करते हैं और हर बार फ्रेश कप ढूंढते हैं। ऐसा कैसे होगा राजा? तुमने जैसे इसे यहां हिलाया वैसे ही कोई ना कोई कहीं और हिला रहा होगा ना। करेक्ट है, वही फ्रेश होकर हमारे सामने आते हैं। बी प्रैक्टिकल। ऐसा क्या सर? सबसे पहले तुम फ्रेश रहो राजा, तभी तुम्हें सब कुछ फ्रेश मिलेगा, नहीं तो सब कुछ अनफ्रेश मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां हमें पवित्र मिले, लेकिन हमारी नियत लूट की बनी होती है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो सब कुछ गलत होगा राजा, इसलिए पहले अपने आप को फ्रेश रखो। थैंक यू सर, हमारी आंखें खुल गई। मेरे लिए 2 रिश्ते आए थे, उसमें से एक तो पक्का शराबी कबाबी लग रहा था और दूसरा कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर की तरह दिख रहा था। आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं ये सब मुझसे डायरेक्ट पूछ रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। उस रात को अगर वैसा ना करती तो उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाती।
वैसे तुम्हारी शादी कब है? मेरी यूबी ने मुझे चीट किया यार, मेरे साथ धोखा हुआ है, वो बहुत बुरा इंसान है। हाँ यार, सगाई के वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। अगर हम वर्जिन होते तो सारे सवाल हम उनसे पूछ लेते। हाय राजा, फ्रेश तरकारी मिल गई क्या? नहीं मिली ना। ताजा तरकारी चाहिए तो किसान के पास जाना होगा, जब तक किसान के पास होगा फ्रेश मिलेगा। किसान के पास से दलाल के हाथों में, वहां से टोकरी में, मार्केट में, बाजारों में, लॉरियों में घिस घिस कर सब कुछ सड़कर पहुंचता है। उन तरकारियों को चिल्लर व्यापारी धोकर साफ करके पहुँच कर रिफ्रेश करके मार्केट में रखकर बेचते हैं। तो बताओ फ्रेश कहाँ से मिलेगा राजा? अगर हम फ्रेश हों तो फ्रेश के बारे में सोच सकते हैं। हम दूसरे को धोखा देकर अगर फ्रेश मांगेंगे तो कैसे चलेगा राजा? तब क्या होगा जब हमारे जरिए धोखा खाने वाला ही रिफ्रेश होकर दोबारा हमारे सामने आ जाएगा? फ्रेश नहीं मिलेगा ना राजा, सब कुछ रिफ्रेश एंड अनफ्रेश। चाय में दूध, कॉफी में शक्कर और इडली में सांभर। हाँ यार, हमारे वाले ही सही हैं। बेचारे, उन सब ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई होगी। मुझे लगता है पुराने रास्ते पर चलना चाहिए। कौशल्या ने मुझे धोखा दिया यार, उसे एक लड़के से प्यार हो गया, उसका नाम है विप्रो सीनू। उसके हाथ पैर तोड़ने होंगे, उस लड़की को मेरे पास ही आना होगा। डोंट वरी यार, उसका बैंड मैं बजाऊंगा। कौसुम उससे मिलना क्यों नहीं चाहती? कहाँ गई होगी? अरे विप्रो सिनू, तेरे लिए पूरा गांव छान मारा। कौन है आप लोग? मुझसे क्या काम है आपको? तुम्हें कौशल्या को भूलना होगा। क्यों भूलना होगा? मेरा फ्रेंड उससे प्यार करता है। ये इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? मैं देखता हूँ, मार इसको, आज तू मरेगा मेरे हाथों से। पुराना सिम देना यार। हाँ यार, बदलो बदलो। सिम बदलने के बाद भी फोन क्यों नहीं आ रहा यार? अबे तेरी तो। हाँ। सिम अभी बदला है ना, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने पुराना सिम चालू कर दिया है? वैसे इतने दिनों से हमारा नंबर ट्राई कर करके बिचारी थक गई होंगी। बिचारी मेरी अंजू मेरे लिए पागल हो गई होगी। श्रुति कहाँ है, क्या कर रही है? वो बहुत अच्छी है यार, मुझे कभी एक रुपए भी खर्च नहीं करने देती थी, सब कुछ वही खर्च करती थी यार। मेरी गलती है यार। गलती हमसे हुई है तो फोन भी हम ही करेंगे। फोन स्विच ऑफ है यार। हमारा फोन ट्राई कर करके नहीं मिला होगा तो टेंशन में आके उन्होंने फोन पटक दिया होगा यार। हे विप्रो, तू करेक्ट है यार, हमने तुझे सताया इसलिए हमें फील हो रहा है यार। तेरे लव को हम सैल्यूट करते हैं यार। हाँ यार, लेकिन कौशल्या ने तुझे धोखा क्यों दिया समझ नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता कि धोखा दिया होगा, कोई प्रॉब्लम में फंस गई होगी। मुझे पता है वो आएगी। मैं चलता हूँ, बाय बाय यार। एक बार लड़की के बारे में हमने नेगेटिव सोचा, उसके बाद हम पॉजिटिव हो गए। सच में हम पागल हैं यार। समुद्र की लहरों की तरह आज हमारा प्यार भी हमारे दिल से टकरा रहा है। अंजलि से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ यार। Oh
वाले दिल क्यों बिछड़े, मिलते हैं दो दिल वाले, जलते हैं दुनिया वाले, मिलने को दो दिल क्यों तड़पे। आया था तू मेरा मन वो कम सिन यार का, दूरियां क्यों है ये कोई तो हमको दे बता। आँखों ने देखा था सपनों का संसार, कुछ भी करके नमस्ते। टुडे इज नेशनल यूथ डे। आप मुझे एडवांस लग रही हैं। यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? यूथ के बारे में तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में बात कर सकती हूँ। यहाँ मैंने एक मैडम से यूथ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहा। मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिश्ते की जिम्मेदारी है उसके बारे में बताने के लिए उत्साहित थी। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक यही है। हाय पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूथ के खराब होने के पीछे मुख्य कारण आप, शौक लग गया ना? 100% आप हैं। आपने बच्चों को प्यार से खिलाया पिलाया, उन्हें चलना सिखाया, टिफिन देकर बस में बैठाया, कपड़े धोए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, बड़ी शान से कहते हैं। बट दैट इज रॉन्ग। आपके बच्चे कब गलत राह पर चल देते हैं पता है आपको? जब आप उनके साथ नहीं होते। मतलब सारे पेरेंट्स गलत है यही कहना चाहती हैं आप? पेरेंट्स की वजह से आजकल के नौजवान स्पॉइल नहीं होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। My dear parents, there's five attraction in human life. One is birth attraction. Second one is
teenage attraction. Third one is marriage attraction. Fourth one is parenthood attraction. Fifth one is death attraction. जीवन में मौत को भी एक त्योहार की तरह मनाते हैं। ये एक attraction है। First and last attractions are very common, written by God. Birth and death. इसे कोई नहीं बदल सकता। But the second one is most dangerous one. That is teenage. इस एज में युद्ध जलते हुए लोहे की तरह होता है। हम जैसे मोड़ेंगे, उसी तरह मुड़ जाता है। इस एज में माइंड मैच्योर नहीं होता, लेकिन बॉडी मैच्योर हो जाती है। सो किसी भी चीज से इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर ज्यादातर बुराई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इस एज में आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, सुपरविजन की जरूरत होती है। आपके बच्चों से प्यार कीजिए, उन्हें बहुत प्यार दीजिए, पैसे दीजिए, मांगी हुई चीज दिलाइए, नो प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम कैसे रहना है ये भी सिखाइए, कैसे नहीं रहना है ये भी बताइए। ऐसे गाइडेंस के बिना और ऐसे प्यार के बिना ही आज मैं ऐसी बन गई हूँ। मेरी सारी स्टडी हॉस्टल में पूरी हुई। मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आते थे। वीकेंड में सबके पेरेंट्स आते थे, तब मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। पेरेंट्स होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी रही थी। हेलो। हाय डैड। हाय बेबी। आई एम इन अ मीटिंग। आई विल कॉल यू बैक लेटर। डैड, हैप्पी पेरेंट्स। बेबी, आई टोल्ड यू ना, आई एम बिजी। डोंट डिस्टर्ब मी। डैड, डैड। हाय बेबी। आज आपके साथ ज्यादा देर बात करना चाहती हूँ। सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। मैं फ्री होने के बाद तुम्हें खुद कॉल करूंगी, ओके? बहुत इम्पोर्टेंट बात है मॉम। हैप्पी बेबी। Please understand me. I'll call you later. Okay? Mom! Mom! यहाँ अकेले क्यों बैठी है? क्या हुआ यार? हुआ क्या है? फिर से पेरेंट्स ने निराश कर दिया? ये तो हर बार ही होता है ना यार? तेरा उनका कॉल करना, उनका बिजी है कह देना, ये तो मामूली सी बात है ना? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो जवाब दोगी? क्या है बोल। मेरे पेरेंट्स की तरह किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। आ चलते हैं। कहाँ? अपना सरदर्द दूर करना हो तो मेरे साथ चल। एकदम बार यार, सारा दर्द गायब हो जाएगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है यार, मुझे नहीं चाहिए। मैं भी क्या पसंद से पी रही हूँ, ऐसे एंजॉय करने के लिए। टेंशन फ्री हो जाएगा, ले पी पी ना यार। अपने पेरेंट्स से पैसे लेना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं जॉब करने लगी। यू आर सेलेक्टेड। आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप सैलरी जितनी चाहेंगी उतनी मिलेगी, लेकिन आपको आज रात हमारे सर के गेस्ट हाउस में आना होगा। कल से आपकी ज्वाइनिंग। यू अरे मैं तुझसे पूछना भूल गई थी, तेरे जॉब का क्या हुआ? हंस क्यों रही है तू? हाँ, समझ में नहीं आया क्या? हर किसी के बेड पर जाऊंगी तभी ही अपॉइंटमेंट मिलेगा कह रहे हैं।
हाँ तो तूने क्या कहा? उसे कान के नीचे बजाकर आ गई वहां से। बैड न्यूज ये है कि कल भी एक इंटरव्यू पर जाना है। ओके, वेरी गुड प्रोफाइल। थैंक यू। एनी एक्सपीरियंस? बहुत सारे इंटरव्यूज को फेस करने का। अब कमाल की बातें करती हैं। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास? जॉब मिलेगा तभी एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। यस एग्जैक्टली, आई लाइक इट, यू आर सिलेक्टेड। यस थैंक यू सर। यू लाइक इट? व्हाई नॉट। वो तो अपने टाइप की है। बिना सोए तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा। हाय सर, आई वांट टू मीट यू। हाय। हाय। और इसी तरह मेरी जिंदगी गलत राह पर चली गई। बुरी आदतों की लत लग गई मुझे और अब तो मैं माँ भी नहीं बन सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन तब आई जब किसी ने मुझे मेरे पापा के पास भेज दिया। लगता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा, पर मैंने उन्हें देखा था। मेरी डैडी ने भी मुझे देखा था। तूने मुझे देख लिया था? मेरी जिंदगी में मुझे खुशी देने वाली सिर्फ एक ही इंसान है, मेरे घर में काम करने वाली मलिका। इस दुनिया में मैं सिर्फ उसे ही पसंद करती हूँ। वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी, उसे जो भी चाहिए उसे दूंगी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। I'm alone. Hi guys, take me as an example. Take care of your life. Don't do as I have done. Hi parents. मेरे पेरेंट्स की तरह आप लोग गलती मत कीजिएगा, प्लीज। थैंक यू ऑल, बाय। जीने का क्या फायदा?
इससे तो मर जाना अच्छा है। यस। दीदी मलिका, ये तुम्हारी बेटी है? ये मेरी बेटी है दीदी, गोद में लो ना दीदी। नहीं। लो। नहीं, ये तुम्हें माँ कहकर बुलाए, मैं यही चाहती हूँ दीदी। लो ना दीदी, लो ना। नहीं मलिका, ये तुम्हारी बच्ची है। दीदी, मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, आप इसे अपना लो। संकोच मत करो दीदी, ज्यादा मत सोचो दीदी, तुम्हें इसकी कसम। मलिका, इसने मुझे माँ कहा। माँ नाम के अक्षर में ही अमृत भरा है। माँ बनने से स्त्री का जन्म सार्थक हो जाता है। अगर जिंदगी में माँ बाप का प्यार ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है, और माँ बाप का प्यार मिलते ही जिंदगी सफल हो जाती है। और जब खुद मां बनती है औरत, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी सफल हो गई हो। इस बच्ची ने इस औरत की जिंदगी बचा ली, अब यही बच्ची इस औरत की खुशियां है। ए, मेरी अंजलि का फोन लग गया यार। अरे रॉबिन का फोन आ रहा है, तो फिर जल्दी से फोन उठा लेना। अंजू, रॉबिन कहां हो तुम? ए, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा अंजू। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। कल्याणी मेरी जान। सिब्बू कहाँ हो तुम? तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुमसे खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। हाँ, मैं पार्क आ रहा हूँ। वीरू बाबू, हे इडियट, क्लास कर, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? अब मैं पार्क में आ रहा हूँ यार। मुझे माफ कर दो। कौसु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। कहाँ पर हो? मैं वहीं आती हूँ जहाँ हम मिलते थे। साथ रहने में फायदा है। हमारे समझ में आ गया सर। यही तो मैं चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।